कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द टर्बो रिवीजन ऑफ नवंबर 2024 सीए फाइनल डीटी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। विदाउट फर्दर अडू अपन टॉपिक पे जंप करते हैं। अच्छा, आपने जो है पांच हेड पढ़ रखे होंगे। कौन कौन से होते हैं अपने पांच हेड? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैबिनेट एंड आईएफओएस। आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो हेड है जहाँ पर आपकी जो है बेसिकली सारी रेसिडुअली इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डिविडेंड से इनकम हो रही है, आपने शेयर में क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मुझे बताओ कि शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ऊपर पांच वाले हेड में तो आएगा नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल आपका जो है क्या है, सैलरी नहीं है वो, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, बिजनेस की इनकम नहीं है। बिजनेस की इनकम कब मानी जाएगी? जब आप क्या कर रहे हो, शेयर्स को ट्रेडिंग कर रहे हो, तो शेयर्स का परचेज एंड सेल का आपका काम है, तो उसको अपन क्या मानते हैं? बिजनेस मानते हैं। कैपीएस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने जो है कोई ऐसे बेचा नहीं है। तो डिविडेंड इनकम जो है, जो शेयर्स पर आपको डिविडेंड इनकम मिली, वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी? आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी। तो जो भी आपको डिविडेंड की इनकम है वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी? आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि जब आप क्या कर रहे हो, शेयर्स को परचेज एंड सेल का बिजनेस कर रहे हो, तो लॉजिकली होता क्या है कि भाई आप जो है शेयर्स का बिजनेस कर रहे हो। अच्छा, आप सवाल आता है कि जो ये आपने जो बिजनेस कर रहे हो, किसका? शेयर्स को परचेज एंड सेल करने का बिजनेस कर रहे हो, इस पर आपको जो डिविडेंड इनकम हो रही है, आपको जो डिविडेंड इनकम हो रही है वो कहाँ पर टैक्सेबल हो? तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई इसको भी हम जो है पीजीपी के हेड के अंदर टैक्सेबल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो मैं शेयर्स परचेज एंड सेल कर रहा हूँ वो मेरा क्या है, ऐसा एसआईटी है। लेकिन गवर्नमेंट अपना लॉ अपने को ये कहता है कि जो आपके शेयर्स हैं, जो आपके पास शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, जिससे आपको डिविडेंड इनकम हो रही है, भले ही वो शेयर्स एंड सिक्योरिटी आपकी एसआईटी क्यों नहीं थी, मतलब भले ही आप क्या कर रहे हो उसका बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज पर डिविडेंड इनकम होगी वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी? हमेशा हमेशा आईएफओएस के हेड में अंदर टैक्सेबल होगी। तो देखो क्या दे रखा है कि भले ही आपने जो है क्या कर रखा है, शेयर्स को एज एसआईटी होल्ड कर रखा है, आप भले ही शेयर्स को एज एसआईटी होल्ड करके रखो, डिविडेंड आपकी जो है हमेशा कहाँ पर टैक्सेबल होगी? आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी। अच्छा, लेकिन बिजनेस लॉस को कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डिविडेंड। क्या कहना चाह रहा है? तो मैंने आपको बताया कि भाई फॉर एग्जांपल इधर समझते हैं कि भाई आपके जो पीजीपी हेड है, ये पीजीपी हेड है और ये आपका जो हेड है वो कौन सा है? आईएफओएस का हेड है। ठीक है, अपन ने ये समझा, अपन ने क्या देखा है कि आपको अगर डिविडेंड इनकम होती है, आपके पास कोई शेयर्स थे वो आपने एज एस आई टी होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, आपके पास कोई शेयर्स थे वो आपने क्या कर रखे हैं? एज एस आई टी होल्ड कर रखे हैं। इस पर आपको कुछ कोई डिविडेंड की इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की डिविडेंड की इनकम। लॉ अपने को ये कहता है कि जो 1 करोड़ की डिविडेंड की इनकम है कहाँ पर टैक्सेबल होगी? आईएफओएस के अंदर ही टैक्सेबल होगी। मैंने इसको जो है आईएफओएस में दिखा दिया। लेकिन गवर्नमेंट आपको क्या कहती है कि भाई आप क्या कर सकते हो, भले ही इस डिविडेंड इनकम को आपने जो है आईएफओएस के अंदर दिखाया है, लेकिन अगर आपको पीजीपी के किसी दूसरे बिजनेस से कोई लॉस हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल मेरा जो है लॉस कितना आ रहा है, किसी दूसरे बिजनेस से मेरा लॉस आ रहा है 2 करोड़ का। ठीक है, 2 करोड़ का मेरा लॉस आ रहा है। तो लॉ ने ये कहा कि जो आपको ये डिविडेंड की इनकम हुई है, कौन से शेयर्स पे डिविडेंड की इनकम हुई है जिसको आपने एज एस आई टी होल्ड कर रखा था, मतलब आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को परचेज सेल करने का बिजनेस कर रहे थे, तो उस पर जो डिविडेंड इनकम हुई है वो लॉजिकली होनी तो पीजीपी हेड के अंडर टैक्सेबल होनी चाहिए, लेकिन लॉ ने कह दिया कि भाई कहाँ पर टैक्सेबल होगी? आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको एक रिलैक्सेशन दे दिया कि भले ही हम इस डिविडेंड इनकम को कहाँ पर टैक्सेबल कर रहे हैं, आईएफओएस में टैक्सेबल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पीजीपी हेड के अंदर कोई लॉस हो रहा है ना, जो किसी दूसरे बिजनेस से, तो आप जो है इस बिजनेस लॉस को क्या कर सकते हो, इस डिविडेंड इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। अब देखो क्या दे रखा है, बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सच डिविडेंड इनकम। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये टॉपिक दे रखा है अपने को डिम डिविडेंड का, इस डिम डिविडेंड के टॉपिक को अपन बाद में करेंगे, उससे पहले आप आगे आ जाते हैं। अच्छा, फिर देखो हमने देखा कि भाई डिविडेंड की इनकम जो होती है वो कहाँ पे टैक्सेबल होती है? आईएफओएस के अंदर। इसी तरह से आपको कैजुअल इनकम होती है, कैजुअल इनकम बोले तो आपको कोई लॉटरी लग गई, ठीक है, आपने कोई गेम वेम खेला, गेम वेम खेलने से आपको जो क्या हुआ, फायदा हुआ, विनिंग्स हुई। अच्छा, सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, अच्छा रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, आप जो है सट्टा लगाते हो रेस पे, उस पर आपको जो इनकम होती है, कार्ड गेम में आपको कोई क्या हुई, विनिंग हुई। इसी तरह से अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बेटिंग एक्सेट्रा, मतलब किसी भी तरह की कैजुअल इनकम हो रही है आपको, ठीक है, सट्टा लगाने से इनकम हो रही है, फिर किसी भी तरह से आपको जो है इनकम मिली वो कहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी? आईएफओएस के हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज समझना, आपको जो है विनिंग फ्रॉम लॉटरी हुई, ठीक है, आपको लॉटरी लग गई और आपको जो है उससे विनिंग हुई। अब सवाल आता है कि इस पर टैक्स कितने पे करना है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपकी जो कैजुअल इनकम होती है ना, उस कैजुअल इनकम पे आपको फ्लैट क्या करना पड़ेगा, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है करंट ईयर में 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो गवर्नमेंट ये कहती है कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ में से 30% हमें दे दो, 30% टैक्स आपको फ्लैट देना पड़ेगा। किस पे? अपने को जो कैजुअल इनकम हो रही है उस पर आपको जो है 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, आपने पता है कि भाई 4% सरचार्ज तो लगेगा ही, तो क्या हो जाएगा, टैक्स 30% एंड 4% सरचार्ज। फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई कोई भी एक्सपेंडिचर और कोई भी डिडक्शन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, किसमें से, कैजुअल इनकम में से। तो अगर आपको जो है 1 करोड़ की क्या हुई थी, 1 करोड़ की आपकी जो है लॉटरी लगी थी, अच्छा 1 करोड़ की आपकी लॉटरी लगी, 1 लाख रुपए की आपने जो है लॉटरी टिकट खरीदी थी, गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपका फायदा कितना हुआ, 1 करोड़ माइनस 1 लाख, 1 करोड़ माइनस 1 लाख का आपको फायदा हुआ, लेकिन हम टैक्स आपसे जो है पूरा का पूरा किस पे लेंगे, 1 करोड़ पे लेंगे। तो आपकी कैजुअल इनकम होती है उस पर आपको जो है किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलता, जितनी आपको कैजुअल इनकम हुई है उस पर आप जो है फ्लैट 30% टैक्स पे करोगे। एक और चीज देखना, चैप्टर 6 से क्या आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे, चैप्टर 6 में जो आपको डिडक्शन दे रखे हैं वो भी आपको नहीं दिए जाएंगे, चैप्टर 6 से क्या आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अच्छा, आपको जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी जो है बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, मतलब सीधी सी बात यह है कि गवर्नमेंट ये कहती है अगर आपको कैजुअल इनकम हो रही है फ्लैट 30% टैक्स पे करो, कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं करा जाएगा।
अच्छा इसी तरह से देखना विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, अगर आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो उसी उस पर आपको जो है विनिंग हो रही है, तो अगेन ये सारे प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम अपने को पता चल गया 30% है। अच्छा विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम अपने को जो है 30% टैक्स पे करना है। अब देखो एक और पॉइंट क्या रखा है कि जो अपनी क्या होती है इनकम होती है फ्रॉम रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा एक घोड़े पे पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया 1 करोड़ रुपये लगाया। ठीक है, 1 करोड़ रुपये मैंने क्या करा घोड़े पे पैसा लगा दिया। अब सवाल आता है कि भाई अगर मेरा जो घोड़ा जीतता नहीं तो मेरा 1 करोड़ तो पूरा डूब जाएगा ना, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ मेरा बिजनेस है किस बात का बिजनेस है कि भाई मैं जो है घोड़े पे पैसा लगाता हूँ। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ठीक है, मेरा काम ये है कि भाई मैं घोड़े पे पैसा लगा के पैसा अर्न करता हूँ। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई एक्सपेंडिचर इनकर्ड शैल बी अलाउड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टेक मनी अर्न। स्टेक मनी अर्न का मतलब क्या है कि भाई जो मैंने पैसा लगाया अगर मेरा घोड़ा जीत गया तो जो मुझे पैसा मिलता उसको मैं क्या बोलता हूँ स्टेक मनी अर्न। तो बेसिकली जो भी मैंने खर्चा करा है, मैंने 1 करोड़ का क्या करा था 1 करोड़ का घोड़े पे पैसा लगाया था, तो जो भी 1 करोड़ का मुझे जो है क्या करा था मैंने एक्सपेंस इनकम करा था उसका मुझे डिडक्शन दे दिया जाएगा भले ही मैंने जो है स्टेक मनी अर्न नहीं करी है। तो फॉर एग्जांपल करंट ईयर में मैंने 1 करोड़ का घोड़े पे पैसा लगाया और मेरे को जो है मेरा घोड़ा जीता नहीं, मतलब मेरी इनकम कितनी हुई जीरो, तो जीरो माइनस 1 करोड़ कितना हो गया मेरा नुकसान हो गया ना 1 करोड़ का। तो इस 1 करोड़ के नुकसान को जो है आपको पता होगा अपन क्या कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 4 साल के लिए। तो अगर आपका काम ही क्या है आपका एक्टिविटी क्या है ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ठीक है, ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज आपका काम ही है कि भाई मैं क्या करता हूँ रिसोर्सेज कराता हूँ और उससे जो है बेसिकली रिसोर्सेज करा के जो है पैसा अर्न करने की कोशिश करता हूँ। तो गवर्नमेंट ये कहती है जो आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड है ना वो अलाउ कर दिया जाएगा और जो भी आपका लॉस जो भी आपका लॉस होता है उसको आप क्या कर सकते हो 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जो कैजुअल इनकम होती है उसमें किसी भी तरह का खर्चा अलाउ नहीं करा जाता बस, लेकिन ये जो हॉर्स रेसेस है ना हॉर्स रेसेस में आपको चेक करना है कि भाई अगर आपका काम क्या है ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो जो भी आप खर्चा करते हो किस पे खर्चा करते हो हॉर्स रेस पे खर्चा करते हो तो वो खर्चे का आपको जो है रिडक्शन दे दिया जाएगा और अगले 4 साल के उसको आप क्या कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपन एक टॉपिक नेक्स्ट ट्रांसफर ऑन टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडियो वीडियो बोले तो वर्चुअल डिजिटल एसेट। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, बहुत बेसिक लैंग्वेज में वीडियो का मतलब क्या होता है क्रिप्टो करेंसी होता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि भाई इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का परचेज सेल हो रहा था लेकिन कोई टैक्स नहीं लगा था, सरकार ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, हमसे चालाकी कर रहे हो आप इनकम कमा रहे हो टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो सरकार ने जो है नया सेक्शन ला दिया कि अगर आप क्या करते हो क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करते हो तो उस पर भी जो आपको फायदा होता है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा देखो टैक्स वही है, टैक्स आपको जो है 30% ही पे करना पड़ेगा, तो ये रखा है टैक्स इतना पे करना है आपको 30% पे करना है। अच्छा अब सवाल आता है कि भाई वीडीए वीडीए जो है आपका कैपिटल एसेट भी हो सकता है एसआईटी हो सकता है या फिर वो, तो बेसिकली आपका क्रिप्टो करेंसी का परचेज सेल करने का बिजनेस भी क्यों नहीं है केस में भी जो है आपको टैक्स इतने पे करना पड़ेगा, उस केस में भी जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 30% में और इनकम कहाँ पर टैक्सेबल होगी आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगी। तो अगर आपका कोई क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है एज एसआईटी है या फिर आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट है तो आपको टैक्स पे करना है 30% पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा वीडियो का मतलब क्या होता है देखो क्या रखा है इन्फॉर्मेशन कोड नंबर क्रिप्टो करेंसी नॉन फंजिबल टोकन। अच्छा इनकम कैसे निकालोगे तो सीधी सी बात है आपने खरीदा कितने पे था कितने पे बेचा वो आपकी क्या होगी इनकम होगी, तो इनकम बोले तो मुनाफा आपने कितना मुनाफा कमाया फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वीडियो, तो जितने पे आपने खरीदा था उसमें से आप क्या करो बेसिकली जितने पे आपने बेचा दोनों का डिफरेंस निकाल लो आपको क्या मिल जाएगा इनकम मिल जाएगी। टैक्स कितने पे करना है टैक्स आपको जो है 30% पे करना है, अगेन आगे वही पढ़ेंगे कि भाई आपको जो है कोई खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। ठीक है, कोई खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ देख लो अपन ने जो है इधर क्या करा था केस में से कॉस्ट ऑफ लेस करा था ना ऊपर वाले केस में जो कैजुअल इनकम थी इधर अपन जो है कोई भी खर्चा अलाउ नहीं कर रहे थे, मतलब जो भी बेसिकली आपको इनकम होती है 1 करोड़ की आपको लॉटरी लगी तो 1 करोड़ पे आपको जो है 30% टैक्स पे करना पड़ रहा था। लेकिन वीडियो के केस में सरकार ने कहा कि भाई कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन का हम आपको जो है डिडक्शन दे देंगे। अच्छा एक और चीज समझना, सरकार ये कहती है कि नो सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस फ्रॉम सच इनकम। क्या मतलब है देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये मेरा क्या है क्रिप्टो करेंसी वन है, ये क्या है क्रिप्टो करेंसी वन है, ये क्या है मेरी क्रिप्टो करेंसी टू है। अच्छा इस क्रिप्टो करेंसी से मुझे जो है 10 साल का फायदा हुआ, इस क्रिप्टो करेंसी से मुझे 10 साल का नुकसान हुआ। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप जो है इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप जो है इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप अपनी इनकम जीरो नहीं दिखा सकते। तो क्या बोल रही है सरकार, नो सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस फ्रॉम सच इनकम, तो जो आपको वीडीए से इनकम हुई है उससे आप जो है किसी भी तरह का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि 10,000 रुपये जो है आपको क्या करना पड़ेगा 30% टैक्स पे करना पड़ेगा इवन दो किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी से आपको जो है लॉस आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई जो वीडियो की इनकम होती है, जो आपकी वीडियो की इनकम होती है, इससे आप किसी भी तरह का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, दैट इज लॉस फ्रॉम अदर वीडियो कैन नॉट बी सेट ऑफ। तो हमने क्या देखा कि भाई किसी भी तरह का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग किसी दूसरे वीडियो से अगर लॉस हो रहा है तो वो भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा देखो क्या देखा, लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वीडियो कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर इनकम। अच्छा अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका ये बनता ये क्रिप्टो करेंसी टू था, इस पर आपको 10,000 का फायदा हुआ, इस पर आपने 30% टैक्स पे कर दिया, इस पर आपको 10,000 का नुकसान हुआ, ये 10,000 का नुकसान इधर से तो सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब क्या ये 10,000 का नुकसान किसी और इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल करंट में मेरी बिजनेस इनकम है या फिर कैपिटल गेन की इनकम है, तो सरकार ने कहा नहीं, ये जो आपका लॉस हुआ है लॉस ऑन द ट्रांसफर वीडियो कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर इनकम, मतलब ये जो मेरा लॉस हुआ है ये क्या है डेड लॉस है, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। अच्छा एक और चीज समझना, सरकार कहती है कि भाई वर्चुअल डिजिटल एसेट में हम क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, तो फॉलोइंग वीडियो शैल बी एक्सक्लूडेड।
तो अगर आपको कोई डिस्काउंट कूपन मिला है, अगर आपको कोई डिस्काउंट कूपन मिला है या फिर गिफ्ट कार्ड मिला है या फिर वाउचर मिला है, जिससे आप क्या कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। अगर आप क्या करते हो, इनको बेचते हो, अगर आप इनको बेचते हो तो उसको जो है वीडीए नहीं माना जाएगा। इसी तरह से आपने क्या कर रखा था, किसी वेबसाइट का, प्लेटफॉर्म का, एप्लीकेशन का, नेटफ्लिक्स का, फिर अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, अगर आपने उसको किसी अपने दोस्त को भेज दिया तो उससे आपको इनकम हुई तो उसको भी जो है वीडियो नहीं मानेंगे। इसी तरह से देखो, कोई माइलेज पॉइंट, रिवॉर्ड पॉइंट्स, लॉयल्टी कार्ड, ठीक है, बिंग अ रिकॉर्ड गिवन, जिससे आप क्या कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, तो भी आपको जो है वीडियो नहीं माना जाएगा। एक और चीज समझना, तो अभी तक अपने क्या क्या देखा, एक अपने देखा डिविडेंड इनकम, इसके बाद अपने क्या देखा, एक तो देखा कैजुअल इनकम, और कैजुअल इनकम में अपने दो तरह की चीजें देखी, एक तो नॉर्मल कैजुअल इनकम और एक जो आगे अपनी वीडियो की इनकम, ठीक है। तो वीडियो की इनकम में किस तरह से टैक्स लगता है वो भी अपन ने देख लिया। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या दे रखा है कि ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी बोले तो प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जो जो कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अच्छा, इसको क्या हुआ है, इसको कंसिडरेशन मिली है फॉर द इशू ऑफ शेयर्स। तो बेसिकली क्लोजली हेल्ड कंपनी ने क्या करा, शेयर्स इशू करे, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने शेयर्स इशू करे। अज्यूम करो कि भाई शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी 10 रुपये, लेकिन कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, अज्यूम करो 50 रुपये पे, ठीक है। तो कंपनी के शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू थी 10 रुपये, कंपनी जो है शेयर इशू करे 50 रुपये पे, ठीक है। तो बेसिकली जो कंसिडरेशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जितना भी पैसा आपको जो है एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू पे मिला है वो आपका क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग करते थे लोग, ठीक है, वो टैक्स प्लानिंग क्या होती है वो अभी अपन समझ नहीं जा रहे हैं। अपन अज्यूम करें कि भाई आपने पढ़ रखा होगा, अपना काम है कोई प्रोविजन को रिकॉल करना। तो ब्लैक मनी को कव करने के लिए, ठीक है, टैक्स प्लानिंग को नलीफाई करने के लिए सरकार ने ये कहा कि भाई क्लोजली हेल्ड कंपनी को जो भी पैसा मिलता है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा अंडर 56(2)(7)(b). तो वो क्या दे रखा है, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच कंपनी विद द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम टू आर और एनआर। इस बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने जो शेयर इशू करें वो रेसिडेंट को इशू करें या फिर नॉन रेसिडेंट को इशू करें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जो है पैसा मिला है, आपको जो पैसा मिला है वो अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो जितना भी आपको पैसा मिला है, जितना भी आपको क्या मिला है, पैसा मिला है, वो क्या होगा, बेसिकली आपकी जो है 56(2)(7)(b) में इनकम मान ली जाएगी। तो अगर कंपनी ने जो है एक शेयर इशू करा 50 रुपये पे और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, तो 40 रुपये क्या हो जाएगा, बेसिकली 50 माइनस 10 40 रुपये क्या हो जाएगी उसकी, 56(2)(7)(b) में इनकम मान ली जाएगी। बट आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि भाई शेयर्स प्रीमियम पे इशू होने चाहिए, ठीक है, तो शेयर्स प्रीमियम पे इशू होने चाहिए। अच्छा, अपन इसी एग्जांपल में अज्यूम करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, फेयर मार्केट वैल्यू बेसिकली 10 रुपये है, फेस वैल्यू अपन अज्यूम करते हैं, फेस वैल्यू अपन अज्यूम कर लेते हैं इसकी कितनी है, 100 रुपये है। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये है, शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और मैंने इशू कितने पे करा है, मैंने इशू करा है 50 रुपये। तो आप समझ पा रहे हो शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपये है, मैंने शेयर को इशू कितने पे करा है, 50 रुपये पे, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10। अब मुझे बताओ क्या ये 56(2)(7) भी लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि भाई शेयर प्रीमियम पे इशू होनी चाहिए। अच्छा, फेस वैल्यू 100 है, मैंने इशू कितने पे करा है, 50 पे इशू करा है, इसका मतलब ये कि भाई मैंने तो शेयर को डिस्काउंट पे इशू करा है, तो उस केस में 56(2)(7) भी नहीं लगेगा। दो कंडीशन चेक करनी है, सबसे पहले जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू को आप चेक करोगे किससे, इशू प्राइस से, मतलब आपको ये चेक करना है कि भाई शेयर अपने प्रीमियम पे इशू करें। अच्छा, प्रीमियम पे इशू करें उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद बेसिकली जो फेयर मार्केट वैल्यू है और सेल कंसीडरेशन का डिफरेंस आप 56(2)(7)(b) में टैक्सेबल कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज समझना, हमने क्या कहा कि भाई अगर कोई क्लोज्ड कंपनी क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है एट प्रीमियम, शेयर इशू कर रही है एट प्रीमियम, और अगर उसको जो है क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, कहाँ टैक्सेबल हो जाता है, 56(2)(7)(b) में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन किस पे अप्लाई नहीं होता, 56(2)(7)(b) किस पे अप्लाई नहीं होता, अगर शेयर किसने इशू करे हैं, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने इशू करे हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखो क्या देखा है, वे द कंसिडरेशन फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इज रिसीव्ड बाय द वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, मतलब वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने शेयर इशू करे हैं। अच्छा, और पैसा किससे मिला है, वेंचर कैपिटल फंड से मिला है या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी से मिला है और स्पेसिफाइड फंड से मिला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 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 क्या करा है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग ने शेयर इशू करे हैं, प्रीमियम पे इशू करे हैं और पैसा भी उसको जो है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का मिला है, तो भी 56(2)(7)(b) नहीं रहेगा। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि भाई मेरे को जो पैसा मिला है वो किससे मिला है, वेंचर कैपिटल फंड से मिला है, वेंचर कैपिटल कंपनी से मिला है या फिर स्पेसिफाइड फंड से मिला है। बिकॉज इन लोगों का पर्पस ही क्या होता है, इन लोगों का पर्पस ही होता है कि भाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना। ये लोग क्या करते हैं, जो वेंचर कैपिटल फंड होते हैं या वेंचर कैपिटल कंपनी होती है, ये क्या करती है, बेसिकली कंपनियां ढूंढती है ताकि ये क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, यानी आपको आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह से कोई स्टार्टअप कंपनी है, आपने देखा होगा कि भाई जनरली जो नई नई स्टार्टअप कंपनीज होती है, नई नई स्टार्टअप कंपनीज होती है वो क्या करती है, बेसिकली शेयर इशू करती है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो स्टार्टअप कंपनीज होती है उनको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो जनरली होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, प्रीमियम पे शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं ताकि स्टार्टअप कंपनी के पास क्या आ जाए, पैसा आ जाए और वो अपनी क्या कर सके, फंक्शनिंग को स्मूथ कर सके। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी स्टार्टअप कंपनी ने क्या करा है, शेयर्स को इशू करा है एट प्रीमियम और जो पैसा मिला है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो 56(2)(7)(b) नहीं लगेगा, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसीडरेशन का डिफरेंस IFRS के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, किस केस में, स्टार्टअप के केस में। कंडीशन देखना, कंडीशन ये दे रखा है कि भाई
इशू होने के बाद, शेयर्स के इशू होने के बाद अग्रीगेट पेड अप सेकंड प्लान शेयर प्रीमियम अप टू 25 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला कि भाई अग्रीगेट पेड अप सेकंड प्लान शेयर प्रीमियम 25 करोड़ होना चाहिए, लेकिन इस 25 करोड़ की लिमिट में अपन किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैंने शेयर इशू करे किसको, एनआर को, नॉन रेसिडेंट को, या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी को, या फिर वेंचर कैपिटल फंड को, ठीक है, या फिर मैंने शेयर इशू करें किसी ऐसी कंपनी को जो क्या है, लिस्टेड है, जो लिस्टेड है एंड उसके शेयर्स क्या हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई आपका जो स्टार्टअप कंपनी है उसके इशू के बाद पेड अप कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम कितना होना चाहिए, अप टू 25 करोड़ का होना चाहिए, 25 करोड़ होना चाहिए। लेकिन इस 25 करोड़ की लिमिट में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर मैंने शेयर इशू करें किसको, नॉन रेसिडेंट को, या फिर वेंचर कैपिटल फंड को, या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी को, जो अपने ऊपर पड़ी थी, वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर कैपिटल कंपनी। इसी तरह से अगर मैंने शेयर इशू करें किसी कंपनी को जिसके शेयर्स क्या हैं, जिसके खुद के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं एंड जिसकी नेटवर्थ, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड, तो जिस साल शेयर इशू कर रहे हो उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट देखनी है आपको। जिस साल आप शेयर इशू कर रहे हो उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट देखनी है, मतलब जिस साल आपने शेयर इशू करा उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लास्ट 31 मार्च देख लेना। उस दिन पे बेसिकली उसका नेटवर्थ, उसका जो नेटवर्थ है, ठीक है, वो नेटवर्थ है वो एग्जिट कर रहा है 100 करोड़ से, या फिर टर्नओवर क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है 250 करोड़ से। तो हमने कहा कि भाई 25 करोड़ की लिमिट में ये तीन जनों को आप इंक्लूड नहीं करोगे। फिर सरकार ये कहती है कि भाई जो स्टार्टअप कंपनी को पैसा मिला है, स्टार्टअप कंपनी को जो पैसा मिला है वो इन एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। कब तक इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप जो है 7 साल तक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्टार्टअप कंपनी शुड नॉट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द एसेट्स मेंशन अबव, जो अपन ऊपर पढ़ेंगे, फॉर 7 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, सरकार ने कहा कि भाई स्टार्टअप कंपनी आप जो है घर नहीं खरीद सकते, ठीक है, आप जो है घर नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपका काम ही है कि भाई आप जो है घर को परचेज सेल करते हो तो खरीद सकते हो, अगर आपका काम ही है कि भाई आप क्या करते हो घर को किराए पे देते हो तो कर सकते हो, तो एक्सेप्ट फॉर रेंटिंग और SIT। फिर गवर्नमेंट ये कहती है, अपना लॉ ये कहता है कि जो स्टार्टअप कंपनी को पैसा मिला है आप जो है किसी को लोन से एडवांसेस नहीं दे सकते, एक्सेप्ट आपका बिजनेस ही क्या है, लोन से एडवांसेस देने का है। इसी तरह से स्टार्टअप कंपनी को जो पैसा मिला है वो क्या कर सकती है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो आप क्या कर सकते हो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो बेसिकली। अच्छा, आप अगेन लैंड एंड बिल्डिंग नहीं खरीद सकते एक्सेप्ट फॉर यूज ऑफ इट्स ओन बिजनेस, ठीक है। तो अपने ऊपर क्या देखा कि भाई आप घर नहीं खरीद सकते, फिर आप नीचे देख रहे हैं कि भाई आप लैंड एंड बिल्डिंग भी खरीद नहीं सकते, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर यूज ऑफ इट्स ओन बिजनेस। तो ऊपर तो घर आ गया, घर के अलावा अगर आपने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदी है तो वो भी आप नहीं खरीद सकते, एक्सेप्ट आपके बिजनेस काम आ रही है, या फिर आप उसको क्या कर रहे हो, किराए पे दे रहे हो, या फिर आपके लिए वो SIT है, ठीक है। अच्छा, आप शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट, यॉट, या फिर एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसकी कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा है वो नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपका काम ही क्या है कि भाई उसको आप परचेज सेल करते हो या फिर आप उसको किराए पे दे दो तो आप खरीद सकते हो। इसी तरह से आप ज्वेलरी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आपका बिजनेस ही क्या है, ज्वेलरी के परचेज एंड सेल करने का बिजनेस है। आप ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, या फिर एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट या बुलियन में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। स्टार्टअप कंपनी का मतलब क्या है, स्टार्टअप कंपनी का मतलब है कि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके अप टू 10 ईयर्स तक हम उसको स्टार्टअप कहेंगे। कंडीशन ये है कि इसका टर्नओवर जो है किसी भी साल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ये टर्नओवर हैज नॉट एक्सीड 100 करोड़। एंड कंपनी क्या काम कर रही है, कुछ इनोवेशन कर रही है, कुछ डेवलपमेंट कर रही है, या फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंप्रूवमेंट कर रही है, या फिर एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, मतलब एक ऐसा मॉडल है जो बहुत ज्यादा बढ़ेगा विद द हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। एक ऐसा मॉडल है जिससे क्या होगा, बहुत सारी वेल्थ जनरेट होगी या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी स्प्लिटअप होकर रिकंस्ट्रक्ट होकर क्या कर रही है, स्टार्टअप बन रही है, तो उसको हम स्टार्टअप नहीं मानेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस ने सोचा कि भाई स्टार्टअप को जो है कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, ये जो एक्जिस्टिंग बिजनेस है ना, एक्जिस्टिंग बिजनेस को न्यू बिजनेस में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर आप क्या करो, एक्जिस्टिंग बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर एक्जिस्टिंग बिजनेस को स्पिटअप कर रहे हो, तो जो आपका नया बिजनेस है ना उसको हम स्टार्टअप नहीं मानेंगे। तो प्राइवेट कंपनी शेल नॉट बी कंसिडर टू बी स्टार्टअप इफ इट इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्जिस्टिंग। सरकार कहती है भाई न्यू बिजनेस बनाओ, हमें टोपी मत पहनाओ। अच्छा, एक और चीज समझना, अगर स्टार्टअप कंपनी फेल्स टू फुलफिल अब दो कंडीशंस, ठीक है, अभी हमने क्या करा 56 to 7 भी नहीं लगाया, तो फॉर एग्जांपल 56 to 7 भी हमने स्टार्टअप पे नहीं लगाया, और कितना फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की इनकम होनी थी किसकी, स्टार्टअप कंपनी की 56 to 7 भी में होनी थी, लेकिन हमने एग्जम कर दी। क्यों एग्जम कर दी, क्योंकि स्टार्टअप को एग्जम्पशन दे रखा है। तो 10 करोड़ की इनकम 56 to 7 में टैक्सेबल हो जाती अगर वो स्टार्टअप नहीं होती, अभी वो स्टार्टअप है इससे 10 करोड़ की इनकम क्या हुई, टैक्सेबल नहीं हुई। अब सरकार ये कहती है कि अगर आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे बाद में जाके, जिस साल आपने फुलफिल नहीं करी ना, साल में आपने फुलफिल नहीं करी, तो जितनी भी इनकम हमने आपकी क्या करी थी, एग्जम करी थी 56 to 7 में, तो हम क्या मानेंगे, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मान लेंगे, मतलब आपने क्या करी, अपनी इनकम मिस रिपोर्ट करी है। अच्छा, पेनल्टीज वाले सेक्शन में अपन ये जाके देखेंगे कि जब भी कोई इनकम आप क्या करते हो, मिस रिपोर्ट करते हो, जब भी कोई इनकम आप क्या करते हो, मिस रिपोर्ट करते हो, सरकार को टोपी पहनाते हो, तो सरकार कहती है कि इस मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पे जो भी आपका टैक्स बन रहा है, ठीक है, उसका आपको 200% क्या करना पड़ेगा, हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये वाले अपन पेनल्टी वाले चैप्टर में समझेंगे जाके। तो अगर स्टार्टअप कंपनी बेसिकली क्या कर रही है, अबव कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, तो जितना भी अमाउंट हमने क्या करा था उसका एग्जम्प्ट कर लिया था, उसको मानेंगे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, और फिर उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 200% ऑफ द टैक्स ऑन द मिस रिपोर्टेड ऑफ इनकम।
बेसिकली मिस रिपोर्टेड इनकम पे, मिस रिपोर्टेड इनकम पे जो भी टैक्स बन रहा है, जो भी टैक्स बन रहा है ठीक है, उसका 200% उसको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अच्छा एक और चीज समझना, आपको कोई कंपनसेशन मिला है या फिर इनहांस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिला है तो उसको अपन क्या मानते हैं, उसको बेसिकली आपको जो है IFRS के अंदर टैक्सेबल करना पड़ता है, और टैक्सेबल कब होता है जिस साल आपको जो है कंपनसेशन मिला है। अच्छा आपने एक और चीज समझ रखी होगी, अपन ने जब कैपिटल गेन्स रिवाइज करा था कि भी जो आपको ये इंटरेस्ट मिलता है इसमें से क्या होता है फ्लैट 50% आपको जो है डिडक्शन अलाउ कर दिया जाता है, तो ये अपन देख लेते हैं आगे। तो ये रहा कि भाई आपको जो है कंपनसेशन मिला है, कंपनसेशन मिला है या फिर इनहांस कंपनसेशन मिला है उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो बेसिकली आपको जो है 50% का क्या मिल जाता है डिडक्शन मिल जाता है। मतलब अगर करंट ईयर में आपको जो है कंपनसेशन इंटरेस्ट और कंपनसेशन 1 करोड़ का मिला है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई 50% बोले तो 50 लाख हम आपका क्या कर देते हैं एज अ एक्सपेंडिचर अलाउ कर देते हैं, बाकी 50 लाख आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है कंपनसेशन कंपनसेशन अमाउंट या फिर इनहांस कंपनसेशन अमाउंट पे, तो आपकी इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, आपको जो है फ्लैट 50% का डिडक्शन दे दिया जाएगा और बाकी बैलेंस अमाउंट पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा बेसिकली टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपको जो 50% का डिडक्शन दे दिया जाएगा, इसके अलावा कोई और आपको डिडक्शन मिलेगा, सो नो डिडक्शन वुड बी अलाउेबल अंडर एनी अदर क्लॉज ऑफ 57 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम। मतलब आपको जो है बस एक ही डिडक्शन मिलेगा और वो क्या है 50% ऑफ सच इनकम का आपको जो है फ्लैट डिडक्शन दे दिया जाएगा, जितनी भी आपकी इनकम होगी उसका 50% आपको हम डिडक्शन दे देंगे। अच्छा आपने कोई कैपिटल से ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट करा, आपने सामने वाले बंदे से क्या करा एडवांस लिया, तो मैंने क्या करा एक अग्रीमेंट करा कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, सामने वाले ने मुझे एडवांस दे दिया। अच्छा मैंने सामने वाले को बोला कि भाई देख अगर तू 2 महीने के अंदर पैसा नहीं देगा तो जो भी तूने मुझे एडवांस दे रखा है वो मैं क्या करूंगा फॉरफिट कर लूंगा। सामने वाले बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया, 2 महीने में पैसा नहीं दिया, तो मैंने क्या करा उसने जो भी मुझे एडवांस दिया था वो मैंने क्या करा फॉरफिट कर लिया। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जो भी आपने पैसा फॉरफिट करा है अगर कब पैसा फॉरफिट करा है ऑन और आफ्टर 1/4/2014 तो क्या मान लिया जाएगा, जिस साल आपने फॉरफिट करा उस साल आपकी जो है क्या मान ली जाएगी बेसिकली IFRS मान ली जाएगी, सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली जाएगी, जिस साल आपको जो है जिस साल आपने फॉरफिट करा है उस साल आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, तो टैक्सेबल अंडर IFRS इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर ऑफ एडवांस। लेकिन ध्यान रखना अगर फॉरफिट कब हुआ है ऑन बिफोर 1/4/2014 ऑन और आफ्टर 1/4/2014 है तो क्या हो जाएगा IFRS हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर बिफोर 1/4/2014 है तो उस केस में अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई उस केस के अंदर जब भी आप इस कैपिटल एसेट को फ्यूचर में बेचोगे तो आप क्या निकालोगे कैपिटल गेन्स निकालोगे। कैपिटल गेन्स कैसे निकलते हैं, सेल कंसेशन माइनस कॉस्ट एलोकेशन। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने कोई एडवांस फॉरफिट करा था बिफोर 1/4/2014 तो फ्यूचर में जब भी इस कैपिटल एसेट को आप बेचोगे वापस तो उसकी जो कॉस्ट एलोकेशन है ना उसमें से ये फॉरफिचर वाला अमाउंट क्या करना लेस करना। तो बेसिकली फिर अपन कैपिटल गेन्स कैसे निकालेंगे, कैपिटल गेन्स आप कैसे निकालोगे, सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट एलोकेशन माइनस एडवांस फॉरफिटेड, फिर इसको अगर CIA करना है तो आप CIA कर देना। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली करना क्या है कि भाई अगर आपने बेसिकली फॉरफिट कराया बिफोर 1/4/2014 तो आपके कॉस्ट ऑफ एलोकेशन में से कम कर लिया जाएगा जब आप क्या करोगे कैपिटल गेन्स निकालोगे इन द ईयर ऑफ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द एसेट। अच्छा एक और चीज समझना, एडवांस फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर, अपन ने कैपिटल गेन्स से पढ़ा था कि भाई बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको अपन ट्रांसफर नहीं मानते, ठीक है। तो कोई कैपिटल एसेट क्या हो गया, मुझे गिफ्ट में मिल गया, ठीक है। तो ये मेरे फादर हैं और ये कौन हूँ, रोहन है। तो मेरे फादर ने मुझे बेसिकली क्या करा, मेरे फादर ने मुझे बेसिकली कोई एसेट गिफ्ट पे दे दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, अपने कैपिटल गेन्स में क्या पड़ा था कि मेरे फादर के हाथ में कैपिटल गेन्स नहीं लगेंगे। अच्छा ये जो गिफ्ट में मुझे एसेट मिला है ना, गिफ्ट में मुझे क्या मिला है, जो एसेट मिला है ये रोहन क्या करता है फ्यूचर में बेचता है, फ्यूचर में सेल करता है। अच्छा एक और चीज समझना, इन फादर को जो है कुछ एडवांस ही मिला था, इन फादर को जो है कुछ एडवांस मिला था जो उसने फॉरफिट कर लिया था। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब रोहन अपना कैपिटल गेन्स निकालेगा तो उस केस में फादर ने मतलब प्रीवियस ओनर ने जो एडवांस फॉरफिट कर लिया था वो अपने कॉस्ट एग्रीमेंट से लेस नहीं करेगा। तो देखो क्या दे रखा है, एडवांस फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर ने क्या करा है बेसिकली एडवांस को फॉरफिट करा है, एडवांस फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर एंड रिटेन बाय द प्रीवियस ओनर, प्रीवियस ओनर ने उसको रिटेन करा था, नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट एक्विजिशन ऑफ द एसेसी। जब रोहन अपने पापा के एसेट को बेच रहा है तो जब पापा ने रोहन को क्या करा एसेट गिफ्ट करा, रोहन फर्दर इस एसेट को फ्यूचर में बेच रहा है, लेकिन एडवांस जो मिला था वो किसको मिला था, पापा को मिला था, और पापा ने क्या करा था बेसिकली उसको फॉरफिट कर लिया था। तो उस केस में मेरे हैंड्स में वो जो है लेस नहीं होगा, कॉस्ट एक्विजिशन में आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ, देखो मैं आपको जो भी ये प्रोविजन बता रहा हूँ ना इनके पीछे बहुत डेप्थ में जाके आपको जो है कंसेप्ट समझाने की जरूरत होती है, वो आप बेसिकली रेगुलर क्लास में ही समझ पाओगे, क्योंकि यूट्यूब का रिस्ट्रिक्शन ये रहता है कि आप लोगों को जो है November 24 के लिए चीज़ों को क्विक रिवाइज करना है, और मैं आपको जो है फॉर एग्जाम्पल 45 मिनट में सारे कंसेप्ट डेप्थ में नहीं समझा सकता, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन होते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैं लंबा समय लेके आपको सारा डेप्थ में समझा दूँ, या फिर आपको जो है चीज़ों को रिवाइज करा दूँ क्विक समय में, और आप जो है जनरली प्रीफर ये दूसरा वाला ही करते हो। तो जो भी अपन सेक्शंस पढ़ रहे हैं ना, जैसे ये आप ये पढ़ रहे हो कि भाई एडवांस फॉरफिचर ये ऑन और आफ्टर इतना क्यों हुआ, ऑन और आफ्टर देखो ऑन और आफ्टर में अपन क्या कर रहे हैं IFRS कर रहे हैं, बिफोर के केस में अपन कॉस्ट एलोकेशन से लेस कर रहे थे, इसके पीछे बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग हुआ करती थी। मतलब लोग क्या करते थे, इस प्रोविजन का बहुत गलत तरीके से फायदा उठाया करते थे,
ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते। जब सरकार ने पकड़ा, सरकार ने जो है क्या करा, फिर ये वाला प्रोविजन लगा दिया। अब मैं वो आपको जो है रीजन समझाने चाहूँ तो अगेन मेरा जो 15-20 मिनट है उसी में निकल जाएगा, और अगर अपन 15-20 मिनट से रिवाइज करने में लगाएं तो आपको जो है पूरा IFS खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ ये रिविजन लेक्चर्स आप लोगों के क्विक रिविजन के लिए। अगर आपको जो है DT के सारे कंसेप्ट बहुत डेप्थ में समझने हैं तो आप एक बार मेरी रेगुलर क्लास में एनरोल करना, May 25 या November 25 के लिए। वो उसमें जो है आपको पूरा डेप्थ में समझाया जाएगा कि भी सरकार ये कोई प्रोविजन लेके आ रही है तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। तो जो भी अपने टैक्सेशन के लॉज हैं, जो भी आप टैक्स के लॉज पढ़ रहे हो, हर बेसिकली कहते हैं ना कि हर लॉ का, हर प्रोविजन का एक जो है इंटेंशन है, एक पर्पस है। गवर्नमेंट जो है क्या कर रही थी, बेसिकली देख रही थी कि भाई लोग किस तरह से टैक्स के प्रोविजन का मिसयूज कर रहे हैं, और सरकार अमेंडमेंट ला ला के क्या कर रही थी, चेंज कर रही थी। इस तरह से सरकार ने चेंज करा तो पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हुआ करता था। लोग क्या करते थे, एक तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे। तरीका क्या होता है वो मैं आपको नहीं समझा सकता। फिर सरकार ने जब चीज पकड़ी तो सरकार ने क्या बोला, हम क्या करें इसको IFRS में टैक्सेबल कर देंगे इन द ईयर ऑफ रिसीट, इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर ऑफ एडवांस। तो अगर आपने पहले क्लास ले रही होगी तो मे भी आपको चीजें समझाई गई होगी, और अगर नहीं ले रखी, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड से रिवीजन चाहिए तो मैंने आपको जितना बताया उतना भी कर लोगे तो आप गारंटेड पास हो जाओगे। अब देखो अपन सेक्शन देखने जा रहे हैं 56 to 7b तो अपने देख लिया, 56 to 10 देखने जा रहे हैं गिफ्ट का सेक्शन। अच्छा ये गिफ्ट का सेक्शन क्यों आया, अगेन इसलिए आया क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे थे, किस तरह से कर रहे थे वो अपन को आपको जानने की जरूरत नहीं। आपको जो है कोई रिवीजन चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपको जो है पैसा मिलता है, अगर आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, किसी बंदे ने आपको जो है पैसा गिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त ने मुझे जो है 1 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए, तो सरकार ये कहती है रोहन आपके हाथ में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और कहाँ पे टैक्सेबल होगा वो आपका जो है IFRS के अंदर टैक्सेबल होगा। क्यों टैक्सेबल होगा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। बहुत मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हर प्रोविजन का एक यू नो कंसेप्ट होता है, हर प्रोविजन का एक जो है इंटेंशन होता है, तो अपन इंटेंशन नहीं समझ रहे। तो गवर्नमेंट ये कहती है रोहन अगर आपको जो है पूरे साल में बेसिकली क्या मिला है, पूरे साल में जो है किसी बंदे से गिफ्ट मिला है और उसने जो है आपको मनी गिफ्ट कर दिए, तो अगर वो 50,000 से ज्यादा है, 50,000 तक है कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बोलती है छोटी मोटी चीजों के लिए हम जो दिमाग खराब नहीं करते अपना, लेकिन अगर आपने 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव करा है तो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो एंटायर मनी रिसीव्ड इज टैक्सेबल, जो मुझे पैसा मिला है वो पूरा का पूरा बेसिकली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर 1 लाख रुपए मुझे मिला है करंट ईयर में, अगर मुझे 1 लाख रुपए मिला है करंट ईयर में तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने बात करी इधर एग्रीगेट की, मैंने क्या बताया आपको एग्रीगेट बोले तो इधर शब्द पे गौर फरमाना, एग्रीगेट का मतलब ये है कि अगर रोहन को उसके 3-4 जनों से 3-4 फ्रेंड से मनी मिल रही है, क्या गिफ्ट में मिल रही है, तो रोहन को क्या करना पड़ेगा, सबका एग्रीगेट देखना पड़ेगा। पूरे साल में रोहन को किसी से भी अगर मनी गिफ्ट में मिलती है, ठीक है, तो उसको उनको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि 50,000 से ज्यादा का है तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, IFRS के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से एक और चीज समझना, अगर बैंक ने आपका जो है कोई पर्सनल लोन वेव ऑफ कर दिया, बैंक अगर आपको कोई पर्सनल लोन रिव्यू कर देती है तो उसको भी अपन जो है 56 to 10 में कवर करेंगे। तो मैंने क्या कर रखा था, बैंक से कोई पर्सनल लोन ले रखा था 1 करोड़ का, बैंक बोलती है जा माफ करा तुझे। सरकार ये कहती है कि भाई आपको ये जो 1 करोड़ हम मानेंगे कि आपको एज अ गिफ्ट मिला है और आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर बैंक आपको कोई पर्सनल लोन रिव्यू कर देती है उसमें भी क्या होगा, बेसिकली उसे भी जो है आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर 56 to 10, ठीक है। अच्छा अब ध्यान रखना, आपके फ्रेंड ने आपको जो है क्या करा, मनी गिफ्ट नहीं करी, आपके फ्रेंड ने आपको जो है फॉर एग्जांपल कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे अपन अज्यूम करते हैं रिलायंस के शेयर्स गिफ्ट कर दिए, तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि भाई उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंटायर फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल। तो बेसिकली अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या करा, अगर मेरे फ्रेंड ने मुझे रिलायंस के शेयर गिफ्ट कर दिए, फ्री में गिफ्ट कर दिए, देखो क्या रखा है, विदाउट कंसीडरेशन अगर उसने क्या कर दिए, गिफ्ट कर दी, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि भाई उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है क्या, अगर हाँ तो जितनी फेयर मार्केट वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर 56 to 10। अच्छा अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एग्रीगेट मतलब आपको जो पूरे साल में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, उन सबका आपको एग्रीगेट देखना पड़ेगा, मतलब उन सबकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपको कोई जो है मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या करा, रिलायंस का शेयर गिफ्ट कर दिया, कि फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी कितनी, 1,000 रुपए, लेकिन मेरा फ्रेंड बोलता है कि भाई तू तो मुझसे 100 रुपए मिले जा, ठीक है। तो सरकार अपने को क्या कहती है, अपना लॉ अपने को क्या कहता है कि भाई अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या मिली है, गिफ्ट के अंदर मिली है, और वो इनएडिक्वेट कंसेशन के मिली है, तो आप ये देखो कि भाई आपको जो है कितना फायदा हुआ, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू थी कितनी, 1,000, आपने कितना पैसा दिया, 100 रुपए का, मतलब आपको जो फायदा हुआ कितने का हुआ, 900 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। मतलब सरकार को आप जो है 900 रुपए की टोपी पहना रहे थे। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर 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 पे मार्केट वैल्यू माइनस सेल कंसीडरेशन,
जितना आपने इंडियन लिक्विड कंसेशन पे कराया, ठीक है, 100 रुपये तो आपने पे कर दिए, 1,000 रुपये फेयर मार्केट वैल्यू बनती थी, तो आपने कितना रुपये पे नहीं करा, 900 रुपये नहीं करा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई 900 रुपये आपने जो पे नहीं करा वो अगर 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर डिफरेंस इज टैक्सेबल, ठीक है। तो अगेन वही बात, आपको क्या चेक करना है, डिफरेंस देखना है आपको फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन का, डिफरेंस देखना है आपको फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडरेशन का, और वो 50,000 से ज़्यादा है तो एंटायर डिफरेंस टैक्सेबल होगा। क्या होगा, डिफरेंस टैक्सेबल होगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऊपर टैक्सेबल हो रही थी, इधर क्या हो रही थी, फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो रही थी, इधर डिफरेंस टैक्सेबल हो रहा था, मतलब 900 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और इधर अभी आपको चेक करना है एग्रीगेट का, तो जो भी आपको पूरे साल में किसी से भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है आपको क्या करना है, बेसिकली सबका अमाउंट निकालना पड़ेगा, सबका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो सबके डिफरेंस को पकड़ लेना, उस सबके डिफरेंस को टोटल लगा लेना, और अगर 50,000 से ज्यादा का है तो आपको जो है एंटायर डिफरेंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या मिल गई, गिफ्ट मिल गई, ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपको क्या करा, बेसिकली लैंड गिफ्ट कर दी, बोले तो लैंड गिफ्ट कर दी, तो आपको ये चेक करना है कि भाई अगर उसने मुझे जो है विदाउट कंसेशन दिए, मतलब फ्री में दे दी है, उसकी एचडीवी 50,000 से ज्यादा है क्या, अगर एचडीवी 50,000 से ज्यादा है तो पूरा एचडीवी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज देखना, अगर वो क्या मिली है आपको, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे मिली है, तो आपको क्या चेक करना है, तो अपन ऊपर क्या देखा कि भाई आपको फ्री में मिली थी, इधर तो फ्री में मिली थी, अब अगर अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली है, अगर आपको क्या मिली है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिली है, तो आपको क्या चेक करना है, वही चीज एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा का है, अगर एसडीवी और एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का है तो एंटायर डिफरेंस आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बट कंडीशन ये है, कंडीशन एक और है कि भाई एसडीवी मोर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो अपने कैपगेंस में पढ़ा था, और अपने क्या पढ़ा था, पीजीपी में पढ़ा था कि जो सेल कंसिडरेशन होती है, जो सेल कंसिडरेशन होती है और जो एसडीवी का डिफरेंस होता है, सरकार 110% तक क्या कर देती है, अलाउ कर देती है, ठीक है, सरकार बेसिकली 110% तक अलाउ कर देती है, लेकिन 110% के आगे के डिफरेंस को, 110% के आगे के डिफरेंस को सरकार क्या मानती है, अलाउ नहीं करती है। फिर उसको आपको क्या करना पड़ता है, एसडीवी के बेसिस पे एसेस करना पड़ता है। कि जब आपने कैबिन्स और अगर मेरा पीजीपी का रिविजन देखा होगा, बहुत हद तक मैंने आपको समझाया था, तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि भाई आपका जो एसडीवी है और कंसिडरेशन का डिफरेंस वो 50,000 से ज्यादा का है क्या, एंड प्लस है, प्लस अगर आपकी एसडीवी 110% मोर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन है, तो जाके आपका एंटायर डिफरेंस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा एक और चीज समझना, इधर आपको एग्रीगेट नहीं करना है, कंसिडर फॉर इंडिविजुअल मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे जो है मेरे पांच दोस्तों ने मुझे क्या करा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिए, और वो क्या करिए, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में करिए, तो मुझे सेपरेटली चेक करना है, अब सबका सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मुझे सबका जो है बेसिकली सेपरेटली चेक करना पड़ेगा, सेपरेटली ये वाली कंडीशन में चेक करूंगा। और ऊपर अभी अपन क्या कर रहे थे, जो मनी था और इमूवेबल प्रॉपर्टी था, उस केस में अपन एग्रीगेट ले रहे थे, एग्रीगेट। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला इधर मनी है, इधर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इधर मैंने आपको बताया इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब सवाल आता है कि भैंस की यहाँ की मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो देखो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो अपन देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड बिल्डिंग होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया लैंड बिल्डिंग। अब हम देखने जा रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, आपके फ्रेंड ने आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटीज गिफ्ट कर दी, या फिर ज्वेलरी, ड्रॉइंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन, वीडीए, देखना वीडीए भी कहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह से आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन भी आपकी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ऑलराइट गाइस, सो अपन ने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देख ली। अच्छा एक और चीज समझना, और वो ये है कि अपन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 56-10 कब लगता है, जब कोई एसएससी को क्या मिल रहा है, मनी मिल रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, या तो वो फ्री में मिली है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे मिली है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया कि भाई अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, 56-10 की एक और कंडीशन ये है कि बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो एसएससी के हाथ में कैपिटल एसेट होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली रेसिपिएंट के हाथ में वो क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अगर रेसिपिएंट के हाथ में वो क्या है, बेसिकली एसआईटी है, तो 56-10 नहीं लगेगा, 56-10 नहीं लगेगा। इतनी कहानी आपको समझ में आई। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई अगर रेसिपिएंट के हाथ में बेसिकली जो कैपिटल एसेट है, रेसिपिएंट के हाथ में जो प्रॉपर्टी मिली है वो कैपिटल एसेट है, तो उस केस में जो है 56-10 लग जाएगा। लेकिन रेसिपिएंट के हाथ में अगर वो क्या है, एज एसआईटी है, तो बेसिकली 56-10 नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना कि भाई 56-10 और कब नहीं लगेगा, तो सरकार ये कहती है, अपना लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपको जो है कोई प्रॉपर्टी अपने रिलेटिव से मिली है, ठीक है, तो अगर आपने आपके रिलेटिव ने आपको पैसा दिया है, इमूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दी है, तो 56-10 नहीं लगेगा। आपकी शादी में ऊपर वाली चीज़ें मिली है, तो आपको जो है 56-10 नहीं लगेगा। इसी तरह से किसी वसीयत के तौर पर या फिर इनहेरिटेंस के बेसिस पर आप जो है आपको ये चीज़ें मिली है, 56-10 नहीं लगेगा। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर,
जो डोनर है उसकी डेथ होने वाली थी, उसने डेथ से होने से पहले ये कह दिया कि भाई प्रॉपर्टी इसकी हो जानी चाहिए, इस पर्सन की हो जानी चाहिए, तो उस केस में जो है बेसिकली 56(10) ही लगेगा। अच्छा, कोई लोकल अथॉरिटी जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 20 में डिफाइंड है, उस केस में भी 56(10) नॉट अप्लाई। अच्छा, अगर आपको जो है कोई पैसा या फिर मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किससे मिली है, किसी ऐसे फंड से मिली है, फाउंडेशन से मिली है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिली है, हॉस्पिटल से मिली है, फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मिली है, ट्रस्ट से मिली है, या फिर इंस्टीट्यूशन रिफर टू इन 1023C जो अपन चैरिटेबल ट्रस्ट एंड चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो बेसिकली इनसे मिली है या फिर इनको मिली है, ठीक है, तो फ्रॉम दीज पर्सन एंड बाय दीज पर्सन, तो बेसिकली इनसे मिली है या फिर इनको मिली है, 56(10) नॉट अप्लाई। अच्छा, फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड 12A, 12AA एंड 12AB, अगेन वही चीज जो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट में अपन जाके पढ़ेंगे, अगर इस ट्रस्ट को, इस इंस्टीट्यूशन को मिला है या फिर इसने दिया है, तो उस केस में 56(10) नॉट अप्लाई। एक और चीज समझना, बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आप कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन क्या करते हैं, कोई कैपिटल एसेट को गिफ्ट कर देते हैं, तो सेक्शन 47 में कवर होता है, उसको अपन ट्रांसफर नहीं मानते। तो हमने क्या देखा कि भाई ये बंदे ने कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट कर दी किसको, ये बंदे ने कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट कर दी किसी दूसरे पर्सन को, तो मैंने कहा कि भाई 47 नॉट अप्लाई, सॉरी 47 अप्लाई, कैपिटल गेन्स नॉट अप्लाई, 47 तो अप्लाई होगा, मतलब सेक्शन 47 क्या कहता है, इस ट्रांजेक्शन को आप ट्रांसफर नहीं मानोगे, सामने वाले के हाथ में बेसिकली अब 56(10B नहीं लगेगा। अच्छा, 56(10) क्या बोलते हैं, जो रेसिपिएंट है, अगर रेसिपिएंट को कोई चीज फ्री में मिली है तो उसके केस में 56(10) में हम उसकी इनकम मान लेंगे, लेकिन इधर अपन ने क्या दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया। अच्छा, इसका लॉजिकल मैंने आपको रीजन बताया था कि भाई जब ये बंदा आगे फर्दर बेचेगा तो उसकी प्रीवियस, इसकी बेसिकली जो कॉस्ट लेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी लेगा, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेगा, तो उस केस में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर कोई बंदा कैपिटल थ्रू गिफ्ट कर रहा है, विच मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन 47 में कवर्ड है, तो जो रेसिपिएंट है उसके हाथ में 56(10) भी नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, किसी ट्रस्ट को इंडिविजुअल से मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो बेसिकली उस पर भी 56(10) ही लगेगा, बट कंडीशन क्या है, जो ट्रस्ट है वो क्रिएट हुआ था या एस्टेब्लिश हुआ था ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो किसी ट्रस्ट को इंडिविजुअल से क्या मिली है, प्रॉपर्टी मिली है विच इज एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, तो उस केस में जो है ट्रस्ट के हाथ में 56(10) नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली इंडिविजुअल ट्रस्ट को पैसा दे रहा है ताकि उस बेनिफिट का, उसके बेसिकली रिलेटिव का बेनिफिट होता रहे। एक और चीज समझना, किसी इंडिविजुअल को क्या मिला है, किसी इंडिविजुअल को बेसिकली प्रॉपर्टी मिली है, मनी मिली है फ्रॉम एनी पर्सन विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को क्या हो जाता है, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो उस केस में किसी दूसरे पर्सन ने उसको पैसा दिया कि भाई तू जाके इलाज करा ले, तो सरकार कहती है जिस पर्सन को पैसा मिला है उसके हाथ में हम जो टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेचारा वैसे ही वो अपनी जान से खेल रहा है और कोविड-19 में महामारी फैल गई थी। तो अगर किसी इंडिविजुअल को किसी भी पर्सन से पैसा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जो इंडिविजुअल है, जिस पर्सन को पैसा मिला है, उसको अपनी कोविड-19 रिपोर्ट सरकार को दिखानी पड़ेगी। सरकार को टोपी नहीं बना सकते, सरकार को दिखाना पड़ेगा कि भाई एक्चुअली मुझे जो है कोविड हुआ था। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रीटमेंट डन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग कोविड-19 पॉजिटिव, तो बेसिकली सर ये क्या बोल रहा है कि भाई इंडिविजुअल को जो है कोविड-19 रिपोर्ट अपने पास रखनी पड़ेगी, एंड जो भी ट्रीटमेंट कराया है डन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग कोविड पॉजिटिव, वो जो है डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि भाई किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी पर्सन से कुछ पैसा मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, किस लिए मिली है, ताकि वो क्या कर सके, ट्रीटमेंट करा सके या तो खुद का या फिर उसके फैमिली मेंबर का, ठीक है। तो उस केस में जो जिस पर्सन को पैसा मिला है उसके हाथ में 56(10) नहीं लगेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई आपको जो है डॉक्यूमेंट्स एंड कोविड-19 रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल मुझे कोविड हुआ था। इसी तरह से ध्यान रखना कि भाई कोविड कोविड में क्या हुआ, किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसके फैमिली मेंबर को उसके एम्प्लॉय ने जो है पैसा दे दिया या फिर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो उस केस में भी 56(10) नहीं लगेगा, किसके हाथ में, जिस पर फैमिली मेंबर के हाथ में 56(10) नहीं लगेगा। अच्छा, आप किसी पर्सन की डेथ हो गई उसके फैमिली मेंबर को किसी और पर्सन से, किसी दूसरे पर्सन से जो है प्रॉपर्टी मिल रही है, मनी मिल रही है, तो उसको 56(10) में हम एग्जम्प्ट कर देंगे। कंडीशन ये है कि अमाउंट जो है 10 लाख तक का होना चाहिए। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो एम्प्लॉयर से मिला तो कोई लिमिट नहीं है, किसी और पर्सन से मिला तो बेसिकली 10 लाख की लिमिट है। लेकिन अगेन 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 सरकार ने कुछ कंडीशन दे दी कि भाई आपकी डेथ हो जानी चाहिए विद इन 12 मंथ्स ऑन द बेसिकली डेथ हो जानी चाहिए विद इन 6 मंथ ऑन द कोविड पॉजिटिव डेट। तो वो ये रखा है कि भाई डेथ हो जानी चाहिए, डेथ इज ड्यू टू कोविड-19 एंड पेमेंट इज रिसीव्ड इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, एंड आपकी डेथ हो गई है विद इन 6 मंथ फ्रॉम कोविड पॉजिटिव डेट। जिस दिन आप पॉजिटिव हो गए उसके 6 महीने में आपकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई, 6 महीने में आप जो है स्वर्ग को धार गए, ठीक है। तो 6 महीने में आपकी डेथ हो गई, और उसके अलावा डेथ ऑफ डेथ के बाद विद इन 12 मंथ्स में आपको जो है पैसा मिल गया है, तो अगर विद इन 12 मंथ्स पैसा मिला है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एग्जाम करेंगे।
अगेन फैमिली को क्या करना पड़ेगा, फैमिली हैज टू कीप कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट एंड डेथ सर्टिफिकेट, और वही 9 महीने में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने में सरकार को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ये बताने के लिए कि भाई हमें एक्चुअल में जो है क्या हुआ था, कोविड हुआ था और हमारी एक्चुअल में हमारे फैमिली मेंबर की एक्चुअल में क्या हुई थी, डेथ हुई थी। अच्छा एक और चीज देखना, सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, सरकार ने कहा कि भाई इन इन केस में 5610 वापस नहीं लगेगा। कौन कौन से केस है देखो, क्या दे रखा है कि भाई दिल्ली में रेसिडेंट ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी इन एनसीआर ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो बेसिकली जो दिल्ली में क्या थी अनऑथराइज कॉलोनी थी, सरकार ने कहा कि हम इसको क्या करेंगे, ऑथराइज करेंगे, ये जो अनऑथराइज कॉलोनी है इसको हम क्या करेंगे, रेगुलराइज करेंगे। सरकार ने लोगों से क्या करा, उनकी उनके घर ले लिए, सरकार ने लोगों को क्या कहा कि भाई हम क्या करेंगे इसको रेगुलराइज करके वापस आपको दे देंगे। तो जब सरकार क्या कर रही है, बेसिकली लोगों से प्रॉपर्टी ले रही है एंड उसके बाद रेगुलराइज करके वापस दे रही है, तो इंडिविजुअल को वापस प्रॉपर्टी मिली ना, तो सरकार ने कहा 5610 नहीं लगेगा, दिमाग मत लगाना इसमें। तो रेसिडेंट ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी इन एनसीआर ऑफ दिल्ली रिसीव्स इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ द अनऑथराइज कॉलोनी, तो उस केस में जो है 5610 नहीं लगेगा। अच्छा येस बैंक जो है डूबने वाला था, येस बैंक जो है डूबने वाला था, राकेश झुंझुनवाला सर आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं येस बैंक को डूबने नहीं दूंगा, आप मैं क्या करता हूँ इसके जो है शेयर्स खरीद देता हूँ, इसमें पैसा डाल देता हूँ, आप जो है जो भी इसमें गड़बड़ी हुई है इस पैसे से क्या करो इस बैंक को सुधार लो। तो एसबीआई या फिर राकेश झुंझुनवाला ने क्या करा, एसबीआई या फिर राकेश झुंझुनवाला ने किसी बैंक के शेयर्स ले लिए, किसी बैंक के शेयर्स ले लिए एट अ प्राइस लेसर देन द मार्केट वैल्यू, एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस ऑफ येस बैंक रिकंस्ट्रक्शन से। तो बेसिकली कोई बैंक अगर फॉर एग्जाम्पल डूबने वाला है, मैं क्या करता हूँ मैं उस बैंक के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है आप इस अपने शेयर्स मुझे बेच दो, लेकिन मैं मार्केट पे तो खरीदूंगा नहीं, मार्केट प्राइस पे खरीदूंगा नहीं, आप जो है मार्केट प्राइस से कम पे मुझे बेच दो, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप जो है अपनी जो भी दिक्कत है उसको सुलझा लो। तो उस केस में मुझे जो मैं इन्वेस्टर हूँ जो राकेश झुंझुनवाला सर है उनको जो है क्या मिला है, शेयर्स मिले हैं, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे मिले, तो उनके केस में जो है 5610 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या करें बैंक का रिकंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो येस बैंक मैंने एग्जांपल लिया था, इधर कोई भी बैंक हो सकता है। अच्छा देखो क्या रखा है, एनी पर्सन गेट्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि बेसिकली अपन एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी को क्या करते हैं, बेसिकली प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि भाई एक पब्लिक कंपनी को क्या कर दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहां पर मोर देन 51% शेयर्स किसको दे दिए जाते हैं, बेसिकली अलॉट कर दिए जाते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को। तो उस केस में पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स किसको मिल रहे हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर्स उस पर्सन को मिल रहे हैं जो क्या कर रहा है, इस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है। तो उस केस में भी जो है 5610 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। एक और चीज समझना, नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड ने क्या करा, सस्पेंड कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो आपने कंपनी लॉ में पढ़ रखा होगा कि भाई अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होती है तो एनसीएलटी क्या कर सकती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर सकती है। तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड करा और न्यू डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, ठीक है। सो अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द सीजी। अच्छा अब बेसिकली जो प्रमोटर थे वो तो बेवकूफ थे, प्रमोटर थे क्या थे, फ्रॉड थे। तो प्रमोटर के शेयर किसको मिल गए, शेयरहोल्डर को मिल गए। तो शेयरहोल्डर गेट्स द शेयर्स ऑफ प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो शेयरहोल्डर को क्या मिले, शेयर्स मिले प्रमोटर ऑफ द कंपनी के, या फिर शेयर्स मिले सब्सिडी के, या फिर सब्सिडी ऑफ सब्सिडी के शेयर्स मिले पर्सेंट टू द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एनसीएलटी। तो शेयरहोल्डर में भी गेटिंग सच शेयर्स एट फेयर मार्केट वैल्यू और बेसिकली एट अ प्राइस लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो उस केस में जो है अपने को 5610 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली एक कंपनी है, एक कंपनी क्या हुई, एक कंपनी ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड करा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया, उसके प्रमोटर्स भी इन्वॉल्व थे, प्रमोटर्स इन्वॉल्व थे तो प्रमोटर्स को हमने निकाल दिया, प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स थे वो हमने किसको दे दिए, शेयरहोल्डर्स को दे दिए। अब हो सकता है कि भाई शेयरहोल्डर्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसको या तो क्या कर रहे हैं, बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू पे ले रहे हैं या फिर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे ले रहे हैं। तो अगर कम पे ले रहे हैं तो 5610 नहीं लगेगा। अच्छा अपन ने रिलेटिव की बात करी थी, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो उस केस में आपको जो है 5610 चेक करने की जरूरत नहीं है। अब रिलेटिव का मतलब क्या है वो देख लो, तो रिलेटिव का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। फॉर इसने कहा सबसे पहले तो इंडिविजुअल है, तो मैंने कहा इधर इंडिविजुअल आ गया, तो ये अपना पॉइंट हो गया इंडिविजुअल। फिर इसने कहा ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल है इसका मैंने क्या करा ब्रदर एंड सिस्टर ले लिया। फिर ये कह रहा है कि भाई ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, अच्छा सॉरी सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल है, तो अगर ये इंडिविजुअल है तो ये इसकी क्या हो गई, स्पाउस हो गई, ठीक है। तो अब ये इंडिविजुअल है तो स्पाउस उसकी रिलेटिव मान ली जाएगी। अच्छा अब ये स्पाउस हो गई, अब ये ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल आ गए, तो इंडिविजुअल के ब्रदर एंड सिस्टर, अब ब्रदर एंड सिस्टर किसके आ जाएंगे, स्पाउस के आ जाएंगे, तो स्पाउस के क्या आ गए, ब्रदर एंड सिस्टर आ गए। तो ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, अब देखना क्या रखा है, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब ये जो इंडिविजुअल है इसके क्या है, एक सेकंड, ये जो इंडिविजुअल है इसके क्या है, फादर मदर है, इंडिविजुअल की फादर मदर है, तो बेसिकली फादर मदर भी इसके क्या हो जाएगी, फादर मदर भी इसके रिलेटिव हो जाएंगे। अच्छा फादर मदर के ब्रदर एंड सिस्टर भी क्या हो जाएंगे, बेसिकली इंडिविजुअल के रिलेटिव माने जाएंगे। तो अपन ने बेसिकली क्या देखा कि भाई रिलेटिव की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो हो गया अपना स्पाउस, फिर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ये हो गया स्पाउस, फिर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, फिर
बेसिकली हमने कहा ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो बेसिकली जो इंडिविजुअल के क्या है, फादर मदर है, उनकी क्या कर लिया अपने, ब्रदर एंड सिस्टर ले लिए। अच्छा फिर हमने कहा कि लीनियन असेंडेंट या डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, बेसिकली बोले तो लीनियन असेंडेंट का मतलब है फादर मदर, डिसेंडेंट का मतलब है इनके इनके बच्चे। अच्छा लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल मतलब बेसिकली जो स्पाउस है, जो अपनी स्पाउस है, कहाँ है स्पाउस, स्पाउस के भी जो है फादर मदर इधर आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना स्पाउस के फादर मदर के ब्रदर एंड सिस्टर नहीं आ रहे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी नहीं दे रखा कि भाई ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल तो दे रखा है, लेकिन स्पाउस नहीं दे रखा, तो ध्यान रखना ये पॉइंट। फिर हमने कहा कि भाई स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन मेंशन अबाउट, तो जो भी अपन ऊपर बातें करी, जो भी अपन ऊपर बात करी, इन सबकी स्पाउस भी क्या हो जाएगी, बेसिकली इंडिविजुअल की जो है रिलेटिव मानी जाएगी। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप एचयूएफ हो तो आपका जो भी मेंबर है वो आपको क्या मान लिया जाएगा, रिलेटिव मान लिया जाएगा, ठीक है। तो अपने 56-10 देख लिया। एक और चीज समझना, अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई अगर 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 कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है जो रजिस्टर्ड है 12AA और AB में, तो उसको या तो मिला है गिफ्ट मिला है या फिर इसने गिफ्ट दिया है, तो 56-10 नहीं लगता, 56-10 नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखना अपन चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट में भी जाके ये चीज़ देखेंगे कि भाई अगर जो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन अंडर 13(3) का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो ट्रस्ट के रिलेटिव हैं, इतना भी शॉर्ट में समझो कि भाई स्पेसिफाइड पर्सन अंडर 13(3) में क्या होता है, जो इस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के क्या है, रिलेटिव है। तो बेसिकली हमने कहा कि भाई अगर कोई सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी मतलब गिफ्ट किसने रिसीव करा है, गिफ्ट जो है ट्रस्ट के रिलेटिव ने रिसीव करा है, तो उस केस में जो है 56-10 नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो उस केस में 56-10 लगेगा, एक्सेप्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो 56-10 लगेगा, एग्जेम्पशन जो अपन ने पढ़ा था ऊपर वो नहीं लगेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हमने देखा कि भाई ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है उसको गिफ्ट मिला है, उसने गिफ्ट दिया है, 56-10 नहीं लगेगा। लेकिन अगर 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 गिफ्ट किसको मिला है, ट्रस्ट के रिलेटिव को मिला है, विच मीन्स स्पेसिफाइड पर्सन को मिला है, किससे मिला है, फ्रॉम द ट्रस्ट, तो उस केस में 56-10 लग जाएगा, एग्जेम्पशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन जो है अवेलेबल नहीं है, 56-10 अप्लाई हो जाएगा। अच्छा एक और चीज समझना, अगर गिफ्ट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से रिसीव करा है तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको जो गिफ्ट मिला है वो किससे मिला है, एम्प्लॉयर से मिला है, तो उसका टैक्सेशन सैलरी हेड में होता है, जो आपने इंटर लेवल पे पढ़ लिया होगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने क्या कर ली, 56-10 में टैक्सेबल कर ली है, मुझे एक चीज बताओ कि कोई प्रॉपर्टी अगर आपने क्या करी है 56-10 में टैक्सेबल कर ली है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी। अज्यूम करते हैं कि भाई आपको जो है एक लैंड गिफ्ट में मिला था जिसकी वैल्यू थी कितने की, 1 करोड़ की थी। आपने क्या करा होगा, बेसिकली इस 1 करोड़ पे टैक्स पे कर दिया होगा अंडर 56-10, सरकार ने जो है इस 1 करोड़ पे आपसे टैक्स ले लिया होगा। अब फ्यूचर में जो है आप क्या करते हो, इस लैंड को बेचते हो। फ्यूचर में जो है अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली इस लैंड को बेच रहे हैं। फ्यूचर में अपन जब इस लैंड को बेच रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इक्वेशन क्या लेंगे, तो ये लैंड मेरा क्या है, बेसिकली कैपिटल एसेट है ना, क्योंकि अपन ने बात भी करी थी कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, आपकी कैपिटल एसेट है। कहां गया देखो, जो आपको प्रॉपर्टी मिली है वो क्या है, कैपिटल एसेट है। तो अगर आप इसको बाद में बेचोगे तो कैपिटल गेन्स निकलेंगे, सेल कंसेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाए, तो सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन को लेनी है जो अपने वैल्यू क्या करिए, टैक्सेबल करिए अंडर 56-10, मतलब 1 करोड़ में जो मैंने टैक्स पे करा है उसको मैं जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लूंगा। मैं सरकार को कहूंगा कि भाई 1 करोड़ तो मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, तो मैं वापस पे नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, अगर प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर 56-10, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एसडीवी, टैक्स अंडर 56-10। हाँ जी, तो अपन ने क्या देखा कि भाई अगर तो बेसिकली आपको जो है प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, वो 56-10 के अंदर टैक्सेबल हो गई है, तो उसकी अपन क्या करते हैं, बेसिकली कॉस्ट इक्वेशन क्या लेंगे, जो वैल्यू अपन ने क्या करी 56-10 के लिए असेस करी है। अच्छा ये वाला पॉइंट समझना क्या दे रखा है, इग्नोर कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। उससे पहले जो है मैं आप लोगों को एक समझा देता हूँ। अभी अपन ने क्या देखा कि भाई 56-10 के कुछ एक्सेप्शन देखे थे, राइट, जिसमें से अपन एक एक्सेप्शन पढ़ा था क्या, कि भाई बाय वे ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अंडर 47, ठीक है। उसमें ये वाली छोटी सी चीज देख लेना, ये छोटी सी चीज इधर ब्रैकेट में आने से रह गई, कि जो अपन सेक्शन 47 की ट्रांजेक्शन कवर कर रहे हैं ना, तो 47 में आपने जो है बहुत सारे ट्रांजेक्शन पढ़ रखे थे, लेकिन बेसिकली अपने को जो है क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को ही कवर करना पड़ेगा। तो एक पार्टीशन ऑफ एचयूएफ है, एक अमलगमेशन है और एक डीमर्जर का केस है। तो ये इन तीन केसेस जो अपन ने 56-10 की बात कर रहे हैं, 56-10 में अप्लाई नहीं होंगे। कौन से ट्रांजेक्शन, ये तीन तरह के ट्रांजेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, एक पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एक अमलगमेशन और एक डीमर्जर। तो मैंने आपको कहा था कि भाई ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर अंडर 47 के केस में जो बंदा क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसके हाथ में कैपिटल गेन्स नहीं लगता। जो बंदा रिसीव कर रहा है उसके हाथ में 56-10 नहीं लगेगा। लेकिन किधर नहीं लगेगा, ओनली इन थ्री केसेस में नहीं लगेगा, इन तीन केसेस में ही नहीं लगेगा। कौन कौन से केसेस में, पार्टीशन ऑफ एचएफ, अमलगमेशन एंड डीमर्जर। ये वाला पॉइंट आपके नोट्स में शायद नहीं होगा, इसको लिख लेना। अच्छा इसका मतलब क्या, देखो समझो, ये एचयूएफ है, ठीक है, ये एचयूएफ है, ये एचयूएफ के क्या मेंबर्स हैं, एचयूएफ ने कोई अपनी एसेट क्या कर दी, मेंबर को गिफ्ट में दे दी, एचयूएफ ने कोई एसेट अपनी मेंबर को गिफ्ट में दे दी, तो इसके हाथ में तो क्या हुआ 56-10, इसके हाथ में 50 सॉरी इसके एचयूएफ के हाथ में कैपिटल गेन्स तो लगे नहीं। अच्छा एचयूएफ ने जब मेंबर को दी तो मेंबर क्या है, रिसिपिएंट है, तो रिसिपिएंट के हाथ में 56-10 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर्ड है।
मेरे कहने का बस मतलब ये है कि जो अगर अपन 47 की बात करें, इसमें तीन तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे, एक पार्टीशन ऑफ एचएफ वाले, एक अमलगमेशन वाले और एक डीमर्जर वाले। अब एक और चीज समझना, अब एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ये पर्सन ने क्या करा, अपनी लैंड जो है अपने रिलेटिव को गिफ्ट कर दी। तो मुझे बताओ कि जब इस बंदे ने क्या करा, कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट करी, तो इसके हाथ में तो कैबियंस लगे नहीं, इसके हाथ में कैबियंस लगे नहीं क्योंकि 47 में कवर हो गया। जो रिलेटिव है इसके हाथ में 56 to 10 लगा नहीं क्योंकि एक्सेप्शन में कवर हो गया। ठीक है, तो अपने 56 to 10 में पढ़ रखा है ना कि अगर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कोई एसेट अपने रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हो, तो उस केस में 56 to 10 नहीं लगता। जब ये क्या करेगा, जब ये रिलेटिव फर्दर इस एसेट को फ्यूचर में बेचेगा, तो क्या होगा, कैप गेंस अराइज होंगे। कैप गेंस कैसे निकलेंगे, सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विशन। तो मुझे बताओ ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विशन है, कॉस्ट ऑफ इक्विशन कौन सी ले ली जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विशन प्रीवियस ओनर की ले ली जाएगी, जो अपने कैप गेंस में भी पढ़ा था। ये दिखाने आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज समझना, इसी बंदे ने क्या करा, एक लैंड गिफ्ट करी, एक और लैंड गिफ्ट करी किसी एक्स नाम के बंदे को जो इसका रिलेटिव नहीं है। अब मुझे बताओ, जब इस पर्सन ने कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट करी, जब इस पर्सन ने कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट करी, तो इसके हाथ में तो कैप गेंस लगे नहीं क्योंकि 47 में करो हो गया। लेकिन जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के हाथ में 56 to 10 लग जाएगा। रेसिपिएंट हाथ के हाथ में क्या लग जाएगा, 56 to 10 लग जाएगा, और 56 to 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। अच्छा, 56 to 10 क्यों लग रहा है, क्योंकि जो हमने ये एसेट रिसीव करी है, ये मेरा रिलेटिव नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये एक्स बंदा इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, बाद में बेचेगा, इस लैंड को जो है फर्दर बेचेगा, तो सेल कंसीडरेशन माइनस कॉस्ट एक्विजिशन करेगा। अभी कॉस्ट एक्विजिशन कौन सी लेगा, कॉस्ट एक्विजिशन लेगा जिस अमाउंट पे इसने टैक्स पे करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इस केस में आप प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आप नहीं कंसिडर करोगे, प्रीवियस ओनर की पीरियड अकॉर्डिंग कंसिडर नहीं करोगे। तो मैंने वही चीज इधर लिख रखी है कि अगर आपने क्या करा है, बेसिकली 56 to 10 में टैक्स पे कर दिया है, तो आपकी कॉस्ट एक्विजिशन क्या होगी, जिस वैल्यू पे आपने जो है 56 to 10 में टैक्स पे करा है, अब आपको जो है प्रीवियस ओनर की कॉस्ट एंड प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड ट्रांसफर में 56 to 10 नहीं लगता, लेकिन कौन से केसेस हैं, ये तीन तरह के केसेस हैं, पार्टीशन ऑफ एचएफ, अमलगमेशन और डीमर्जर के केसेस में रेसिपिएंट के हाथ में 56 to 10 नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, जो एमपी और एमएलए होते हैं, जो एमपी और एमएलए होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको जो सैलरी मिल रही है, तो वो कहते हैं कि भाई हम नौकर नहीं है, तो हमारी जो इनकम है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल कब होती है, जब आपकी इनकम क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के रिलेशनशिप को फुलफिल कर रही है। तो एमपी एमएलए बोलते हैं कि भाई हम किसी के कुत्ते नहीं है, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, तो जो आप हमारी जो सैलरी है, जो हमारी सैलरी है, वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। तो सरकार ने क्या करा, लॉ बना दिया कि जो सैलरी इनकम है किसकी, एमपी एमएलए की, वो किसके अंदर टैक्सेबल है, किसके हाथ के अंदर टैक्सेबल है, बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल है। एक और चीज समझना, आपने जो है क्या करा, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ले रखी है, आपने जो है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स ले रखी है, उस पर आपको जो है क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे या फिर यूटीआई की यूनिट्स पे आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली डिविडेंड मिल रहा है। तो इनकम फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड कहां पे टैक्सेबल होती है, आईएफएस एक्ट के अंदर टैक्सेबल होती है। एक और पॉइंट समझना, मैं अभी अभी सीए बनाऊं, ठीक है, मैंने जो है क्या करा, कोल इंडिया में अप्लाई करा, मैंने कोल इंडिया में अप्लाई किया, मैं बोला कि भाई मैं AI5 लाया हूँ, आप जो है मुझे नौकरी दे दो। कोल इंडिया बोलती है बिल्कुल आओ, तो जो है मुझे वरमाला पिलाई और कहा कि भाई ठीक है, ये लो 1 करोड़ की नौकरी ले लो। अच्छा, कोल इंडिया ने कहा कि भाई हम 1 महीने में क्या करेंगे, आपको जो है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देंगे। इसी कहानी समझ भाई। अच्छा, 1 महीना बीत चुका, 1 महीना बीत चुका, ठीक है, और उसने मुझे जो है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया। अब रोहन रोहन बेसिकली जब मार्केट में गया नौकरी ढूंढने, तो बेसिकली सारी कंपनी से लोगों को हायर कर लिया था, अब रोहन रह गया अनएम्प्लॉयड। रोहन ने केस कर दिया इसके ऊपर, उन्होंने केस कर दिया इस कंपनी के ऊपर, और कोर्ट में कहा त्राही माम त्राही माम त्राही माम, इस कंपनी ने मुझे कहा था कि भाई मुझे 1 महीने में लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे देगी। अच्छा, इसने जो है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं दिया, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, दो तरह से नुकसान हुआ। एक तो जो मेरी 1 करोड़ की नौकरी थी वो चली गई, एंड नंबर टू जो मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी वो भी नहीं मिल रही। तो क्या करा, कोल इंडिया ने इसको कुछ कंपनसेशन दे दिया, कोल इंडिया ने इसको कुछ कंपनसेशन दे दिया। सरकार कहती है कि अगर आपको इस तरह का कोई कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो कौन से एक्ट के अंदर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब मुझे बताओ कि भाई कोल इंडिया और रोहन के बीच में कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप था क्या, नहीं था, बिकॉज अभी तक उसको जो है अपने अपॉइंट करा ही नहीं था। तो अगर इस तरह से कोई कंपनसेशन मिलता है किसी पर्सन को, कहाँ पे टैक्सेबल होगा, आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है, तो फिर जो अगर कंपनसेशन मिलता है वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। हाउएवर, अगर इट इज रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, देन इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी साइड। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये अपन जब बिजनेस ट्रस्ट का रिवीजन करेंगे, जब जाके देखेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको जो है पूरे बिजनेस ट्रस्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो अपन जब बिजनेस ट्रस्ट का रिवीजन करेंगे, तब ये वाला पॉइंट देख लेंगे। ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट मैंने जो है बिजनेस ट्रस्ट में भी डाल रखा है, ठीक है। अच्छा, ये लिप वाला पॉइंट अपन थोड़ी देर में देखते हैं, उससे पहले अपन आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट गाइस, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनकम चार्जेबल अंडर आईएफएस ओनली व्हेन इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द टीजी। इसका मतलब यह है कि भाई अगर कोई मेरी इनकम बिजनेस से आ रही है, तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, बिजनेस में टैक्सेबल होगी। अच्छा, अगर कोई इनकम बिजनेस के हेड में नहीं आ रही है, तो फिर वो कहाँ पर आ जाएगी, चलिए आईएफएस हेड में आ जाएगी। तो अपने पढ़ रखा है कि भाई कौन कौन से अपने हेड होते हैं, सैलरी हो गया, हाउस ऑफ ड्यू हो गया, कैबिनेट हो गया, पीजीपी हो गया, आईएफएस हो गया। तो आईएफएस में अपन कौन सी इनकम लेते हैं जो ऊपर वाले हेड में नहीं आ रही,
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला है, कहाँ पे टैक्सेबल होगा? ऑफ कोर्स आपके जो है आईएफएस में टैक्सेबल होगा। अच्छा लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटीज क्या है, अगर आपकी सिक्योरिटीज एसआईटी है, एज अ स्टॉक इन ट्रेड है, आपका बिजनेस ही है सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करने का, तो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी? पीजीपी में। तो बेसिकली ये जो इनकम है, इनकम हम सिक्योरिटीज आईएफएस में कब टैक्सेबल होती है? ओनली इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर दैट पीजीपी। इसी तरह से अगर आपने क्या करा है, कोई मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर क्या कर दिया, किराए पे दे दिया, फिर जो आपको इनकम आएगी कहाँ पे टैक्सेबल होगी? आईएफएस एक्ट के अंदर टैक्सेबल होगी। अच्छा अब देखो, आपने कोई मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर क्या दे दी, बेसिकली किराए पे दे दी। अच्छा जो बिल्डिंग है वो क्या है, इनसेपरेबल है फ्रॉम द मशीनरी। अच्छा हो सकता है कि भाई मशीनरी जो है इतनी बड़ी हो कि भाई जो है आपको बिल्डिंग भी क्या करनी पड़े, साथ में किराए पे देनी पड़े। तो हमने देखा कि भाई ये जो मेरी बिल्डिंग है और ये जो मेरी बिल्डिंग है, इसमें पूरी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, मेरी मशीनरी इंस्टॉल है। तो अब जब मैं मशीनरी को किराए पे दूंगा तो सीधी सी बात है कि भाई बिल्डिंग को भी मुझे किराए पे देना पड़ेगा। तो बिल्डिंग का जो लेटिंग आउट है वो इनसेपरेबल है फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। तो उस केस में क्या होगा, जो भी इनकम आएगी, जो भी इनकम बिल्डिंग से भी आएगी, वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? आईएफएस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा इसी तरह से समझना, एम्प्लॉयर एसएससी ने जो है एम्प्लॉय से क्या करा, पीएफ कलेक्ट करा। तो अपने देख रखा है कि भाई जो एम्प्लॉयर है उसको क्या करना पड़ता है, ये जो पीएफ होता है अपने पीजीपी में पढ़ा था ना कि भाई क्या कराना पड़ता है, अप टू आरओआई की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ता है, अदरवाइज 43B में डिसअलाउ हो जाता है। तो बेसिकली जो एम्प्लॉयर का शेयर है, जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो अपन को कहाँ तक जमा कराना होता है, आरओआई की ड्यू डेट तक जमा कराना होता है। लेकिन जो अपन ने एम्प्लॉय से रिसीव करा होता है, तो देखो अपन ने जो एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन रिसीव करा होता है वो बेसिकली एम्प्लॉय को कब जमा कराना पड़ता है, अगले महीने की 7 तारीख तक। अपन ने पीजीपी हेड में पढ़ा था कि जो अपना पीएफ होता है, जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है, एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो कब तक जमा कराता है, 43B के अकॉर्डिंग आपको आरओआई की ड्यू डेट तक जमा कराना पड़ता है। और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब बेसिकली जो अपन ने एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा है, तो वो बेसिकली मुझे अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना होता है। तो अगर आपने जमा नहीं कराया तो अपन उधर क्या पढ़ रखा था, अपन ने उधर पढ़ रखा था वो आपकी इनकम मानी जाती है। तो उसी तरह से अगर पीजीपी हेड में वो टैक्सेबल नहीं हो रही तो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी, आईएफएस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 10 अपन आगे जाके पढ़ेंगे। सेक्शन 10 मुझे बेसिकली बताता ही है कि भाई कौन कौन सी इनकम एक एसएससी की एग्जेम्प्ट होती है। तो सेक्शन 10 के अंदर बहुत सारे सब सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें से एक सब सेक्शन है सेक्शन 15, ठीक है। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 मुझे ये बताता है, जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड होते हैं तो अगर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अच्छा आपने क्या करा है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में अकाउंट खुला रखा है, तो उस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा टैक्स से। लेकिन एक लिमिट दे रखी है कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 पूरे साल में 3500 रुपये तक का इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर क्या है वो बेसिकली जॉइंट अकाउंट है तो 7000 तक का बेसिकली हमने क्या करा, आपका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट कर दिया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल करंट ईयर में आपको जॉइंट अकाउंट है, आपको 10000 रुपये का क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो 7000 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी 3000 पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा एक और चीज समझना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अपने पीजीपी हेड में देखा था, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अपन ने क्या ली है, एक फॉर्म ने ले रखी है या फिर एक बिजनेसमैन ने ले रखी है। तो जो भी पैसा मिलता है किसमें, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। इंक्लूडिंग बोनस इज चार्जेबल अंडर आईएफएस, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीपी सर्विस। मुझे एक चीज बताओ, अगर एम्प्लॉय ने रिसीव करी होती, एम्प्लॉय ने जो है पॉलिसी, एम्प्लॉय ने जो पैसा रिसीव करा होता, एम्प्लॉय ने जो पैसा रिसीव करा होता वो कहाँ पे टैक्सेबल होता, पीजीपी में टैक्सेबल होता। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के अलावा कोई पैसा रिसीव करा है तो वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, आईएफएस में, ठीक है। तो देखो क्या रखा है, एनी सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस चार्जेबल अंडर आईएफएस इफ इट इज नॉट चार्जेबल अंडर दैट पीजीपी। फॉर एग्जाम्पल इफ सच सम इज रिसीव बाय एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर हु टुक द पॉलिसी एंड द एम्प्लॉय इन हुज नेम द पॉलिसी वाज टेकन। तो मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्लॉयर रिसीव करता तो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाता, पीजीपी में। एम्प्लॉयर के अलावा किसी और पर्सन ने रिसीव करा तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, आईएफएस में हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय रिसीव करता तो कहाँ टैक्सेबल होता, सैलरी में टैक्सेबल होता। लेकिन एम्प्लॉय के अलावा कोई रिसीव करा तो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, बेसिकली आईएफएस एक्ट के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा मिला है वो पीजीपी और सैलरी में टैक्सेबल नहीं हो रहा, तो बचा क्या अपना, तो रेसिडुअरी सेक्शन है, रेसिडुअरी हेड है वो क्या है, आईएफएस ही है। अच्छा एक और चीज समझना, जो बैंक होती है ठीक है, तो बैंक का बिजनेस क्या होता है, लोगों से पैसा डिपॉजिट लेती है और लोन बांटती है। तो बैंक ने क्या कर रखा है, नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो टैक्सेबल कहाँ पर हो, आईएफएस हेड में टैक्सेबल हो या पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो। तो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होने के लिए आपको ये पता है कि भाई कोई भी चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, स्टॉक इन ट्रेड होनी चाहिए। लेकिन ये जो बैंक है, बैंक ने क्या कर रखा है, नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज में डिपॉजिट पैसा जमा करा रखा है, उससे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सवाल आता है कि भाई कहाँ पे टैक्सेबल हो, तो आप कहोगे कि भाई आईएफएस में टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक क्लेरिफिकेशन ला दिया, सरकार ये कहती है कि भाई जो बैंक के पास पैसा आता है, जो बैंक के पास क्या आता है, डिपॉजिट आता है, बैंक के पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, या तो वो क्या करेगी, लोन्स देगी या फिर उसको इन्वेस्टमेंट करेगी। अच्छा क्यों ऐसा करेगी, ताकि उसने जो पैसा लिया उसको लोन पे दिया तो उससे उसको ब्याज मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करा तो ब्याज मिलेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बैंक का बिजनेस ही होता है कि जो पैसा आता है वो बैंक क्या करे, या तो लोन बांटे या इन्वेस्टमेंट करे। तो सरकार ने कहा, अपने लॉ कहता है कि भाई अगर बैंक क्या कर देती है, बेसिकली अगर नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कमाती है तो आईएफएस में टैक्सेबल नहीं होगा, कहाँ पे टैक्सेबल होगा, पीजीपी हेड के अंदर टैक्सेबल कर दिया जाएगा।
इवन दो इवन दो इवन दो ये जो मेरा नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज है एसआईटी नहीं है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अभी तक अपन ने ये देखा है कि भाई आईएफओएस हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, अब अपन देखने जा रहे हैं कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउड है, कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउड है। तो ध्यान रखना आपको जो है आपको जो भी डिविडेंड मिलता है, आपको जो शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पर आपको जो है इनकम मिल रही है, तो आपको जो डिविडेंड मिल रहा है या फिर इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे आपको क्या मिल रही है, बेसिकली इनकम ऑफ इनकम मिल रही है ऑन द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, या फिर इनकम ऑन द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। तो इस केस में आपने जितना भी पैसा कमाया है, जितना भी पैसा कमाया है वो आपकी इनकम बन जाएगी, और इसमें से हम आपको जो है मैक्सिमम डिडक्शन दे देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस का। ध्यान रखना ये जो डिविडेंड की इनकम होती है, इनकम ऑफ द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड होता है एंड इनकम ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी होती है, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अप टू मैक्सिमम 20% ऑफ सच इनकम। तो बेसिकली सरकार ये कहती है, अपना लॉ ये कहता है कि भाई आपको जो है इन तीन इनकम पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा मिलेगा, खर्चा अलाउ किया जाएगा, और वो भी मैक्सिमम 20%। क्या मतलब है, करंट ईयर में आपने 100 रुपये का डिविडेंड कमाया, करंट रुपये में आप करंट ईयर में आपने 100 रुपये का डिविडेंड कमाया। अच्छा आपने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये का लोन ले रखा था, फिर करंट ईयर का आपका ब्याज बैठता है फॉर एग्जाम्पल अपन अज्यूम करते हैं कितना 20 रुपये या फिर 30 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी जो डिविडेंड की इनकम हुई है ना, इस डिविडेंड की इनकम में से हम आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस का। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ है 30 हुआ है, तो आपको हो गया भाई 30 का 30 पूरा अलाउ कर दूँ, लेकिन फिर सरकार ने कैप लगा दी कि जो भी आपकी इनकम हो रही है उसका मैक्सिमम 20%। मुझे बताओ 100 का 20% कितना होता है 20 रुपये। तो आपका ऑल दो इंटरेस्ट एक्शन में 30 है, लेकिन आपको खर्चा कितना अलाउ किया जाएगा, खर्चा सिर्फ और सिर्फ 20 अलाउ किया जाएगा, तो आपको जो है 80 रुपये पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली अपन ने क्या देखा है कि डिविडेंड इनकम, इनकम ऑफ द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इनकम ऑफ द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है इंटरेस्ट का खर्चा मिलेगा, और वो भी 20%, वो भी मैक्सिमम 20% का मिलेगा। एक और चीज समझना, यूनिट ऑफ यूटीआई जो होती है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। तो बेसिकली अपन ने ऊपर क्या चीज पढ़ रखी है कि यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी पे जो है 20% का रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब यह है कि जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है इस पे जो है कोई भी 20% का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा एक और चीज समझना, आपने सिक्योरिटीज में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो भी खर्चा इस इनकम को कमाने के लिए आपने कराया वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ किया जाता है किस इनकम पे, तीन इनकम पे आपको ध्यान रखना है, डिविडेंड की इनकम, शेयर्स में आपको जो है डिविडेंड की इनकम हो रही है, या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, ठीक है, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी। तो ध्यान रखना यूनिट्स ऑफ यूटीआई में दो चीजें होती है, एडमिनिस्ट्रेटर और स्पेसिफाइड कंपनी। स्पेसिफाइड कंपनी में सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर पे जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो क्या देखा है, इनकम इज फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ हायर ऑफ मशीनरी प्लांट फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग। बेसिकली आपने जो है क्या रखा है, मशीनरी प्लांट फर्नीचर किराए पे दे रखी है, जो भी आपने जो है क्या करा है, करंट रिपेयर्स कराया, इंश्योरेंस कराया, डेप्रिसिएशन कराया, उसका आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। एक और चीज समझना, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। जो मैंने आपको बताया था कि जो आपने एम्प्लॉय से पैसा रिसीव करा है अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है, अगर आपने जमा नहीं कराया तो आपकी इनकम मानी जाती है। अच्छा इसमें क्या देखा, डिडक्शन विल भी अलाउ, अगर आपने अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करा दिया तो आपको डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। तो पहले आपकी इनकम बनती है, फिर अगर आप जमा करा दे तो आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाता है। तो इधर का डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपने जो है क्या कर दिया, ऑन बिफोर द ड्यू डेट जमा करा दिया, और ड्यू डेट क्या होती है, अगले महीने की 7 तारीख बेसिकली आपकी जो है मानी जाती है। अब देखो अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, अगर आपको क्या मिल रही है, फैमिली पेंशन मिल रही है, तो कितना आपको डिडक्शन दिया जाएगा। देखो क्या रखा है, 1/3 ऑफ सच इनकम ऑफ 50,000 विच इज लेस का आपको जो डिडक्शन दे दिया जाएगा। और फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है, रेगुलर मंथली पेमेंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ डेथ। ठीक है, बेसिकली एम्प्लॉयर क्या करता है, आपकी फैमिली को जो है एक क्या करता है, मंथली पेंशन देता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फैमिली पेंशन कहते हैं। तो एम्प्लॉयर ने पेमेंट कराया टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। सो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और एम्प्लॉयर उसको क्या करता है, बेसिकली मंथली पेंशन देता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, फैमिली पेंशन कहते हैं। और फैमिली पेंशन में कितना डिडक्शन अलाउड है, 15,000 और 1/3 विच एवर इज लेस का आपको जो डिडक्शन दे दिया जाएगा। अब ध्यान रखना फैमिली पेंशन कब कब एग्जेम्प्ट होती है, तो देखो क्या दे रखा है, फैमिली पेंशन रिसीव बाय एनी फैमिली ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई बंदा क्या कर रहा था, सरकारी नौकरी कर रहा था और उसको क्या अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र मिला है, वीर चक्र मिला है एंड नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड शुड बी एग्जेम्प्ट। बेसिकली किसी इंडिविजुअल को ये वाले चक्र मिल रखे हैं, फिर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर डेथ होने के बाद ये वाले चक्र मिल रखे हैं, तो उस पर जो भी आपको फैमिली पेंशन मिलती है वो क्या हो जाएगी, एग्जाम मान ली जाएगी। इसी तरह से समझना, फैमिली पेंशन किसने रिसीव करी है, विधवा ने रिसीव करी है, विडो या फिर चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हायर्स ऑफ अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज, मतलब कोई बंदा क्या था, आर्मी में था, उसकी फिर डेथ हो गई। तो विद द डेथ ऑफ सच मेंबर हैज अकर्ड इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशनल ड्यूटीज इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस वुड बी एग्जाम। तो बेसिकली आप आर्मी में काम कर रहे थे, आप कोई जंग लड़ रहे थे, ठीक है, तो जंग में आपकी मौत हो गई। अच्छा आपकी मौत के बाद आपके फैमिली मेंबर्स को क्या मिल रही है, बेसिकली पेंशन मिल रही है, तो वो पेंशन क्या हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगी। एक और चीज समझना, आपने कोई भी नेचर कैपिटल नेचर का खर्चा कर रखा है तो वो आपको जो है आईएफओएस हेड के अंदर से डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो एनी अदर एक्सपेंडिचर आपको कोई भी खर्चा अलाउ किया जाएगा, नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल खर्चा, तो आपको कैपिटल खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। एक और चीज समझना, अगर आपने कोई कैश में खर्चा कर दिया, जैसे अपन ने पीजीपी में 40A3 पढ़ा था, उसी तरह से अगर आपने कोई कैश में खर्चा कर दिया 10,000 से ज्यादा का, खर्चा नॉट अलाउड।
अगर आपने टीडीएस डक्ट नहीं करा, टीडीएस डक्ट नहीं करा तो वर्चा नॉट अलाउड। पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर आपने जो है बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस कर रखे हैं तो पर्सनल एक्सपेंसेस का भी आपको खर्चा अलाउड नहीं किया जाएगा। तो अपना बेसिकली ये हो गया कि भाई अपनी कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। फिर अपन ये देख लिया कि भाई कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउ किए जाते हैं। अब अपन एक पॉइंट छोड़ा था वो देख लेते हैं, मैंने आपको ये बताया था ये तो अपन बिजनेस के साथ कर लेंगे। अब आते हैं अपन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे, ठीक है। आपने क्या ले रखा है, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है आपने, जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। तो सरकार कहती है कि भाई देखो, सरकार बेसिकली ये कहना चाहती है कि भाई आप जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, ठीक है। इससे होता क्या है कि भाई आप जो है क्या करोगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे, अगर बेसिकली आपकी डेथ हो जाती है तो आपको कुछ पैसा मिलेगा। या फिर फॉर एग्जांपल आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 50 साल की, 50 साल क्या हो गए, मैच्योर हो गए, तो 50 साल बाद आपको जो है एक लमसम अमाउंट मिलेगा। तो सरकार ने जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी ताकि कोई बंदा अगर जो है सीनियर सिटीजन बन जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो उसके पास एक कॉर्पस हो, उसके पास एक पैसा हो जिससे वो अपनी क्या कर सके, जिंदगी को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो सरकार ने सबसे पहले एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की स्कीम लाई कि भाई आप जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी में मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस, वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। सरकार ने क्या कहा, जो भी पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस, वो आपका जो है एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 में क्या होता है, बेसिकली एग्जम्प्शन दे रखे हैं और उसका सबसेक्शन दे रखा है 10-10D, ठीक है। तो 10-10D अपना जो है सेक्शन है वो मुझे ये कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी आपको पैसा मिल रहा है इंक्लूडिंग बोनस, वो आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने जो है क्या दे रखा था, 50 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, हर साल आप जो है क्या करते थे, 100 रुपये जमा कराते थे, 50 साल बाद आपको जो है 1 करोड़ रुपये मिल गए, ठीक है। तो जो सरकार ये कहती है जो आपको 1 करोड़ मिला है ना, ये हम क्या करते हैं, एग्जम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सरकार ये कहती है कि अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, ठीक है, कब, ऑन और बिफोर 1/4/2003, कब, 1/4/2003 के पहले, तो जो भी पैसा आपको इंक्लूडिंग बोनस मिल रहा है वो क्या मान लिया जाएगा, एग्जम्प्ट मान लिया जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखना, अब हुआ क्या, अब बेसिकली हुआ ये कि भाई लोग जो है इसका फायदा उठाने लगे, इस तरह से फायदा उठाने लगे लोगों ने क्या करना चालू करा कि भाई जो जो मोटा मोटा पैसा है, भाई देखो सीधी सी बात ये, करंट ईयर में अगर आप क्या करते हो, बेसिकली करंट ईयर में अगर आप जो है पैसा जमा कराते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो आपको क्या मिलेगा, 50 साल बाद एक मोटा पैसा मिलेगा। तो सरकार लोगों ने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना पैसा लगा देते हैं, और जब भी मुझे बाद में जब पैसा मिलेगा पूरा पूरा मैं क्या कर लूंगा, एग्जम्प्ट क्लेम कर लूंगा। तो सरकार ये कहती है कि भाई जो हम ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आए थे ना, ये गरीबों के लिए लेके आए थे। गरीबों का मतलब ये है कि भाई उन पर्सन के लिए लेके आए थे जिनको 50 साल बाद इनकम नहीं होनी है। आप लोग तो बहुत अमीर अमीर इंसान हो, आप लोग जो है हमें ऐसा चूना नहीं लगा सकते कि भाई, कैसे चूना नहीं लगा सकते कि भाई आपने जो है 50 साल में इतना पैसा इन्वेस्ट करा, फिर 50 साल बाद आपको जो है एक लमसम अमाउंट मिला और उसको हमने क्या करा, एग्जम्प्ट कर दिया। तो फॉर एग्जाम्पल अपन अंबानी साहब का नाम लेते हैं, ठीक है। तो मिस्टर अंबानी सर, मुकेश अंबानी सर ने क्या करा, बहुत सारा पैसा लगाया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी था उसमें उनको 1000 करोड़ मिल गए। अब सरकार कहती है भाई 1000 करोड़ मिले, मतलब आप छोटे मोटे तो इंसान हो नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई आप जो है क्या कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। तो सरकार ने फिर एक कैप लगा दी, सरकार ने कैप लगा दी कि अगर पॉलिसी इशू हो रही है कब से कब तक, 1/4/2003 के बाद और बिटवीन 31/3/2012। तो हमने ये देखा कि भाई हमने ये देखा कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है ऑन और बिफोर 1/4/2003, तो जो पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई है बिटवीन 1/4/2003 एंड 31/3/2012, मतलब बेसिकली 1/4/2003 से लेके 31/3/2012 तक अगर कोई पॉलिसी इशू हुई है, तो सरकार क्या कहती है कि जो भी आपका पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो आपका हर साल का प्रीमियम है, वो हर साल का प्रीमियम क्या होना चाहिए, अप टू 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अच्योर होना चाहिए। तो देखो सरकार ने कहा कि भाई एग्जम्प्शन नहीं मिलेगा अगर आपका जो प्रीमियम है, पूरे साल का जो प्रीमियम है, वो एक्चुअल कैपिटल सम अच्योर के 20% से ज्यादा है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपका एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर था कितना, मतलब एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर का मतलब ये है कि 50 साल बाद मुझे जो है 100 करोड़ मिलने हैं। तो लिख लेते हैं 50 साल बाद जाके मुझे 100 करोड़ मिलेंगे, 50 साल बाद जाके मुझे 100 करोड़ मिलेंगे, ठीक है, अपन ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होगा, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली हर साल प्रीमियम पे करना है। तो सरकार ये कहती है कि किसी भी साल का प्रीमियम इसके 20% से ज़्यादा हो गया, कितना होता है इसका 20%, 100 करोड़ का 20% हो गया 20 करोड़। तो किसी भी साल का प्रीमियम जो है क्या होता है, बेसिकली 20 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको जो है एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई अगर किसी भी साल का प्रीमियम 20% से ज़्यादा हो गया, किससे, एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर से, तो जो भी पैसा आपको मैच्योरिटी मिलेगा पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सरकार ने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबिलिटी से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जम्पशन लेके आते हैं, वो अपन थोड़ी देर में नीचे देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई अगर पॉलिसी इशू होती है 1/4/2003 या उससे पहले, तो क्या होगा, उसमें जो भी पैसा मिलेगा एग्जम्प्ट है। लेकिन 1/4/2003 के बाद अप टू 31/3/2012 हमने कहा 20%, अगर आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो 20% तक है, 20% किससे तक है, एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर के 20% तक है, तो आपको जो भी पैसा मिलेगा एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी मैच्योरिटी पैसा मिलेगा।
सरकार ने इस 20% की लिमिट को 10% कर दिया। तो सरकार ये कहती है कि अगर पॉलिसी इशू हुई थी 31/3/2012 के बाद, ठीक है, लेकिन बिफोर 1/4/2013, तो उसके अंदर सरकार ने जो है 20% की लिमिट कितनी कर दी और कम कर दी 10%, ठीक है, ताकि और गरीब लोगों का भला हो और अमीर लोग इसका फायदा ना उठा पाए। फिर सरकार ने क्या करा, डिसेबल लोगों के लिए चीज डिसेबल लोगों के लिए क्या करा, बेसिकली ये जो लिमिट है थोड़ी सी बढ़ा दी। तो देखो क्या दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर इतना बट बिफोर इतना, ठीक है, तो सारे के सारे पर्सन के लिए कितना था 10% था, लेकिन सरकार ने क्या कहा कि भाई अगर 1/4/2013 के बाद कोई पॉलिसी इशू हो रही है और डिसेबल पर्सन के लिए इशू हो रही है, मतलब किसी डिसेबल पर्सन ने ले रखिए फॉर एग्जाम्पल जो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो सरकार ने जो लिमिट कितनी कर दी 15% कर दी। तो देखो क्या दे रखा है, इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी अंडर 80U और पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसीज एलिमेंट अंडर 80DDB, तो ये वाले जो सेक्शन है ये अपन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे कि भाई 80D के अंदर 80U और 80DDB में कौन कौन से एलिजिबल SSC होते हैं। तो वही कोई पर्सन 80U और 80DDB में डिसेबिलिटी सफर कर रहा है तो उस केस में सरकार ने क्या करा, 10% लिमिट को 15% कर दिया। अच्छा एक और चीज समझना, अगर आप डिसेबल पर्सन हो तो लिमिट कितनी है 15% है, लेकिन अगर आप डिसेबल पर्सन नहीं हो तो लिमिट वही 10% ही रहेगी। तो बेसिकली सरकार ने डिसेबल पर्सन को रिलैक्सेशन देने के लिए क्या करा था, 10% की लिमिट को थोड़ा बढ़ा के 15% कर दिया। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इन केस ऑफ पर्सन अदर देन मेंशन इन ए अबो 10% की 10% ही लिमिट रहेगी, ठीक है। तो इतनी कहानी अपने को पूरी समझ में आ गई। अच्छा फिर सरकार बेसिकली ध्यान रखना, सरकार ने एक और अमेंडमेंट करा, तो लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, बेसिकली लास्ट अमेंडमेंट अगर आप देख रहे हो तो 1/4/2013 को हुआ था, जहां पर हमने क्या करा था 10% लिमिट को 15% कर दिया था फॉर डिसेबल पर्सन। फिर सरकार ने थोड़ा और रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। सरकार ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया ये देखो, फिर सरकार ने लेटेस्ट अमेंडमेंट में लिखी आई थी सरकार की इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, फिर सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई ये जो 10-15% वाली लिमिट है ये तो रहेगी ही, लेकिन जो आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो वो भी मैक्सिमम कितना हो सकता है 5% ही हो सकता है। तो देखो वही है, सम रिसीव अंडर लिप क्या है, एग्जेम्प्ट है, सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा एग्जेम्प्शन नहीं मिलेगा कब, अगर आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो कितने परसेंट से ज्यादा है, 10% या 15% से ज्यादा है ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। और ये 15% किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ डिसेबल पर्सन के लिए था। फिर सरकार ने एक और कंडीशन ला दी कि जो आपका एनुअल प्रीमियम है ना, जो आपका एनुअल प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो देखो क्या दे रखा है, तो नो एग्जेम्प्शन अगर अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है और एनी ऑफ द प्रीवियस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा, और थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, कि भाई जो आपका एनुअल प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा भी नहीं हो सकता। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अब देखो, हो सकता है कि भाई एक एसएससी ने क्या कर रखा हो, मल्टीपल पॉलिसीज ले रखी हो। तो फॉर एग्जाम्पल रोहन गर्ग ने क्या ले रखा है, 1, 2, 3, 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। तो बेसिकली हर पॉलिसी पे एग्जेम्पशन आप तो चेक करोगे, हर पॉलिसी पे आप ये तो चेक करोगे कि भाई जो मेरा प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो 10% से ज्यादा तो नहीं है। अगर 10% से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली उस पर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो अज्यूम करते हैं कि भाई इन तीन पॉलिसी मुझे एग्जेम्पशन मिलना था, इन पर एग्जेम्पशन नहीं मिलता क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो क्या है, इसका प्रीमियम जो है 10% से ज्यादा है। अब सवाल आता है कि भाई ये जो 1 है 2 है और ये 4 है इससे मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन फिर सरकार ने एक और कंडीशन ये दे दी कि भाई जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो एनुअल, जो आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो 5 लाख से ज्यादा भी नहीं हो सकता। अब अज्यूम करो कि भाई मैं इसके लिए प्रीमियम पे कर रहा हूँ कितने का, 1 लाख का, इसके लिए प्रीमियम पे कर रहा हूँ 4 लाख का, इसके लिए प्रीमियम पे कर रहा हूँ 6 लाख का, ठीक है। अभी इसको अपन लेते हैं, इसके लिए मैं प्रीमियम कर रहा हूँ कितने का, 5 लाख का। अब सरकार ने ये कहा कि भाई जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसका जो प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा है तो उसके केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली 5 लाख से ज्यादा है तो उसके केस में अमाउंट जो है बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 6 लाख रखता हूँ तो ऑल्दो ये जो पॉलिसी नंबर 4 है ये 10% वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, लेकिन इसका प्रीमियम एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी जो होगा मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ, योग्य टैक्सेबल, ठीक है, योग्य टैक्सेबल। अब मेरे को क्या करना है, अब ये जो 5 लाख की लिमिट है ना, ये 5 लाख की लिमिट है तो बेसिकली मैं ये देखूंगा कि इन दोनों पॉलिसी का मिला के प्रीमियम कितना आ रहा है, 1+4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं इन दोनों का जो है क्या कर सकता हूँ, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ। इसका मतलब है इन दोनों पॉलिसी पे जो मैच्योरिटी अमाउंट मुझे मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अज्यूम करो कि भाई इधर मैं अमाउंट लेता हूँ 5 लाख का, ठीक है, इधर मैं अमाउंट ले लेता हूँ कितने का, 2 लाख का और 2 लाख का, ठीक है। अब मैं एक और ट्विस्ट ले रहा हूँ कि भाई ये जो परसेंटेज वाली कंडीशन है ये दोनों सब सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अपनी लिमिट है 5 लाख, अब मैं डिडक्शन किसका लूँ, बेसिकली मतलब मुझे एग्जेम्पशन लेना है, एग्जेम्पशन किसका लूँ। तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप किसी भी पॉलिसी को पकड़ सकते हो जिसका एग्रीगेट मिला के प्रीमियम जो है 5 लाख से ज्यादा नहीं है।
देखो इसका प्रीमियम कितना है 1 लाख, इसका कितना है 2 लाख, इसका कितना है 2 लाख। तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप इन तीनों को क्या कर सकते हो, एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ इसको एग्जेम्प्ट क्लेम करो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपने एक से ज्यादा पॉलिसी ले रखी है तो एग्रीगेट सबका मिला के आपको ये चेक करना है कि भाई प्रीमियम 5 लाख तक किसका किसका है। तो बेसिकली इन सबका मिला के 5 लाख तक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनका एग्जेम्प्शन ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहो तो जो है ये पॉलिसी नंबर 4 का भी एग्जेम्प्शन ले सकते हो। अब अज्यूम करो कि भाई इसका प्रीमियम मेरा कितना आ रहा है, इसका प्रीमियम आ रहा है 1 लाख रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ, अपना लिमिट कितना है 5 लाख, कि भाई एग्रीगेट मिला के जितनी भी आपने पॉलिसी ले रखी है उसका एग्रीगेट मिला के प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 2, 3 और 4, मतलब इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इन तीनों में तो मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं क्या करूंगा, अब मेरी लिमिट कितनी है 5 लाख है, तो आप सोचो कि भाई 1 लाख अनएक्सपायर्ड है, मतलब 1 लाख जो है अभी खत्म नहीं हुई है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ L4 को, तो मेरा कितना हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 5, तो 5, 6, 7, 8, 9। तो एग्रीगेट कितना हो गया, 9 हो गया। एग्रीगेट 9 हो गया, किससे ज्यादा हो गया, 5 लाख से ज्यादा हो गया। तो फिर मैं जो है रिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगा, एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो सरकार बेसिकली ये कहती है भाई आपको जो है चेक करना पड़ेगा एग्रीगेट मिला के, जिन भी पॉलिसी का आप एग्जेम्प्ट क्लेम करना चाहते हो वो सबका एग्रीगेट मिला के देख लो, अगर 5 लाख से कम है तो ही हम अलाउ करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 1, 2, 3 को क्लेम कर सकते हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ किसको क्लेम कर सकते हो, इसको। क्योंकि जैसे ही मैं 4 को इंक्लूड कर लूंगा, जैसे मैं 4 को इंक्लूड करूंगा, मेरा एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अगर आप सोचोगे कि भाई मैं क्या करता हूँ L3 और L4 को लेता हूँ, तो आप देखो कितना हो रहा है, 1 + 5, 1 + 5 कितना हो गया, 6 लाख हो गया। एग्रीगेट कितना हो गया, 5 लाख से ज्यादा हो गया, मतलब मैं जो है इन दोनों का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाऊंगा। तो आपको बस इतना सा चेक करना है कि भाई जिसका भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हो, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आपको जो है एग्रीगेट प्रीमियम देखना पड़ेगा, और वो अप टू 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख तक है। तो क्या हो जाएगा, आप उसको एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया वही दे रखा है। अब देखो पढ़ते हैं अपन, अगर मोर देन 1 LIP इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2023 एंड एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, एग्रीगेट बोले तो सबका मिला के जिसका भी आपको एग्जाम क्लेम करना है सबका 5 लाख से ज्यादा है, फॉर एनी टाइम फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी एग्जेम्पशन वुड बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली दोज पॉलिसी जिसका प्रीमियम जो है 5 लाख से ज्यादा नहीं है। तो आपके पास अगर बहुत सारी पॉलिसी है तो आपको ये चेक करना है कि भाई एग्जेम्पशन किसका मिलेगा, आपको एग्जेम्पशन उन्हीं का मिलेगा जिनका एग्रीगेट मिला के 5 लाख से ज्यादा नहीं है। अच्छा एक और चीज समझना, अगर आपकी डेथ पे आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो जो भी पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है, और आपको कोई भी अबव कंडीशन चेक करनी नहीं है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमने जो ये ऊपर से इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ये इसलिए लगा रखे हैं ताकि आप जो है टैक्स प्लानिंग करके हमें टोपी ना बनाओ। लेकिन अगर आप खुद ही मर चुके हो, अगर आप मर चुके हो तो आप हमें क्या टोपी बनाओगे, ठीक है, आपको तो भगवान ने खुद टोपी बना दी है। तो सरकार ये कहती है कि अगर आप खुद टपक गए हो, आप खुद मर गए हो, तो आपको कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, जो भी पैसा मिला है एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो आप मर चुके हो, क्या ही टैक्स प्लानिंग करोगे आप। इसके अलावा टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि भाई मैंने 50 साल की पॉलिसी ले रखी है, अगर 50 साल में कभी भी मेरी डेथ हो गई तो मुझे पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो मुझे वो 1 रुपया भी नहीं देगी। तो बेसिकली इसमें जो है मैं टैक्स प्लानिंग कुछ कर नहीं सकता, मैं चला के पैसा लेने के खुद की जान थोड़ी लूंगा, सुसाइड थोड़ी करूंगा, और सुसाइड कर भी लिया तो सरकार को टोपी नहीं बना पाऊंगा। तो अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो जो भी पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, आपको कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये सेक्शन 80DD का जो है एक क्लेरिफिकेशन दे रखा है, ये जब अपन चैप्टर 6 के डिडक्शन करेंगे ना, उधर मैंने ये सेम टू सेम चीज कॉपी पेस्ट कर रखी है, उधर आपको जो है समझा दूंगा। अच्छा आपको बताइए कि भाई जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसका पैसा मिलता है वो बेसिकली एग्जेम्प्ट होता नहीं, कहाँ पे टैक्सेबल होता है, या तो पीजीपी हेड में टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, या फिर IFRS में हो जाता है। तो एग्जेम्पशन नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा एक और चीज देखना, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। IFRS हेड में हमने बताया कि भाई टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल कब होगा, अगर आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, अगर हमने ये कंडीशन देखी इनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो अमाउंट जो है आपका IFRS के अंदर टैक्सेबल हो जाता है। अब कितना टैक्सेबल होगा, तो वो सरकार ये कहती है कि भाई आपको कितना पैसा मिला है, आपको जो है कितना पैसा मिला है माइनस आपने एग्रीगेट कितना प्रीमियम पे कर दिया था ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, आपने 50 साल की पॉलिसी ले रखी थी, 50 साल में जितना भी पैसा है प्रीमियम पे करा है उसको पकड़ लो, और जितना पैसा आपको मिला है इन दोनों का डिफरेंस जो है कि आप मानी जाएगी आपकी इनकम मानी जाएगी। अच्छा अपन ये जो प्रीमियम, अपन प्रीमियम की लिमिट चेक करते हैं ना, 10%, 15%, 20%, ठीक है, 5 लाख, तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है इसमें GST का अमाउंट इंक्लूड मत करना। तो वो क्या दे रखा है, प्रीमियम पेबल या फिर एग्रीगेट प्रीमियम पेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ द अमाउंट ऑफ GST पेबल ऑन सच प्रीमियम। तो GST का अमाउंट जो है प्रीमियम इंक्लूड मत करना। अदर देन यूलिप इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2023, मतलब बेसिकली जो आप यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है आपने, उसमें जो है आपको GST का कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा, मतलब GST कंपोनेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। अब यूलिप क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। देखो यूलिप का मतलब बेसिकली एक तरह का जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें क्या होता है इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी होता है। तो मैंने 50 साल की दे रखी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, 50 साल की मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली 50 ईयर्स की। अच्छा ये बेसिकली मार्केट से लिंक्ड है, ये बेसिकली क्या है मार्केट से लिंक्ड है, बोले तो मैंने क्या कर रहा हूँ हर साल 1-1 लाख रुपए जो है क्या कर रहा हूँ, हर साल 1-1 लाख रुपए प्रीमियम जमा कराया, 50 साल मुझे एक कॉर्पस मिलेगा। अच्छा जो पैसा मिलेगा ना वो मार्केट से लिंक्ड रहेगा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट बढ़ता है, ठीक है, अगर मार्केट बढ़ता है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो
यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी का बेसिकली मतलब है एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मार्केट से लिंक है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है कि आपने जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली और आपने जो है एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया कि भाई 50 साल बाद जाके अगर मार्केट अच्छा रहा, स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा तो बेसिकली मुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट में भी सब कुछ वही चीजें होती है जो अपन ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में समझी है, लेकिन सरकार एक एग्जेम्पशन, सरकार बेसिकली जो है एक क्या करके आई, रेस्ट्रिक्शन लिखी आई, इसको देखना इधर यूनिट कर देना। तो वही चीज है कि सम रिसीव्ड अंडर यूलिप आपका एग्जम्प्ट होगा, लेकिन सरकार ने वही कंडीशन लगा दी 10% और 12-15% वाली, लेकिन सरकार एक और कंडीशन लेके आई, जैसे 5 लाख की कंडीशन अपने किसने पड़ी थी, जैसे 5 लाख की कंडीशन अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पड़ी थी, कहां पर तो वही रही, जैसे 5 लाख की कंडीशन अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पड़ी थी, उसी तरह से जो है आपकी यूलिप के अंदर कंडीशन लेके आ गई सरकार 2.5 लाख की, और ये कब लेके आई, ऑन और आफ्टर 1/2/2021। तो अगर आपकी जो यूलिप है वो इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1/2/2021, तो आपकी जो जैसे अपने 5 लाख की कंडीशन पड़ी ना लाइफ इंश्योरेंस में, एक्जैक्टली सब कुछ सेम है, बस उधर इधर क्या है 2.5 लाख कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इधर बेसिकली इन लोगों ने क्या कर दिया, 2.5 लाख कर दिया। ऑल राइट, तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई यूलिप के केस में 5 लाख की जगह क्या कर दिया, 2.5 लाख कर दिया, बाकी एप्लीकेशन सब कुछ सेम ही है, बट कंडीशन क्या है कि अगर यूलिप इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1/2/2021। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आपको पैसा मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर वो कहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, आईएफएस में टैक्सेबल हो जाएगा। और कैसे टैक्सेबल होगा मैंने आपको बता दिया, कितना पैसा मिला है माइनस आपने कितना जो है प्रीमियम पे करा है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना एक और चीज, जो आपकी यूलिप होती है, जो आपकी यूलिप होती है, यूलिप पे जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर एग्जेम्प्ट नहीं है बोले तो कि आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो उस केस में जो इनकम है वो आईएफएस के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों टैक्सेबल नहीं होगी, अब बताता हूँ आपको। जब मैंने कैपिटल गेन्स कर रहे थे अपन, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो कैपिटल एसेट होता है उसके अंदर क्या इंक्लूड होती है, यूलिप इंक्लूड होती है, उसके अंदर बेसिकली जो है यूलिप इंक्लूड होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कि भाई जो अपनी यूलिप होती है, जो यूलिप इशू हुई है कब, जो यूलिप इशू हुई है ऑन आफ्टर 1/2/2021, जो ये वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही। ठीक है, तो यूलिप इशू हुई है अगर ऑन और आफ्टर 1/2/2021 और ये वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही, तो जो अमाउंट आएगा वो आईएफएस में टैक्सेबल नहीं होगा। कहाँ पे टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, क्योंकि जो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट में अपने क्या कर रखा है, देखो बेसिकली वही यूलिप को इशू कर रखा है, देखो क्या पढ़ रखा है, क्या लिखा है इसमें, यूलिप विच इज इशूड ऑन आफ्टर 1/2/2021 टू विच एन एग्जेम्पशन अंडर 10(10)(d) डज नॉट अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2.5 लाख और एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपकी कोई पॉलिसी इशू हुई है, यूलिप इशू हुई है ऑन आफ्टर 1/2/2021 और उस पर एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो प्रीमियम वो 2.5 लाख से ज्यादा का है, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं, उसको बेसिकली अपन कैपिटल एसेट मान लेते हैं, और कैपिटल एसेट में जो है कैप गेंस के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इनकम किस तरह से निकलती है, तो मैंने आपको बताया था कम उसी तरह से निकलेगी जैसे अपने नॉर्मली निकाली थी। देखो ये रहा कि भाई आपको कितना पैसा मिला है और कितना आपने एग्रीगेट प्रीमियम पे कर दिया है। तो अगर आप ये जो कैपिटल गेंस वाला रिविजन नहीं देख रहा तो क्विकली जाकर देख सकते हो, 3 घंटे का जो है अब मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है नवंबर 24 वालों के लिए। तो इसी तरह से जो मैंने आपको बताया था कि भाई यूलिप का कॉन्सेप्ट अपन आईएफएस में पढ़ेंगे और आईएफएस में अपन ने देख लिया, मैंने आपको बता दिया भाई यूलिप अगर इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1/2/2021 तो सरकार एक कंडीशन लेके आ गई, कौन सी कंडीशन, कि आपका एग्रीगेट प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज्यादा का है तो एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, और जब एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं मतलब टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल कहाँ होगा, कैप गेन सेट के अंदर टैक्सेबल होगा। तो यूलिप भी बेसिकली एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, बस इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी इंक्लूड होता है जो मार्केट से लिंक्ड होता है। मैंने तो क्या दे रखा है भाई, ऑल अदर यूलिप्स वुड बी स्पेसिफाइड यूलिप्स विच आर कैपिटल एसेट, बेसिकली जो एग्जेम्प्ट नहीं है, जो ऊपर एग्जेम्प्ट नहीं है वो क्या मान ली जाएगी, कैपिटल एसेट मान ली जाएगी, ये मैंने इधर भी लिख दिया आपको। तो अपना जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं अपन और वो है डिम डिविडेंड का। तो अपन एक टॉपिक देख लिया था कि भाई जो डिविडेंड की इनकम होती है कहाँ पे टैक्सेबल होती है, आईएफएस के अंदर टैक्सेबल होती है, लेकिन आप बिजनेस लॉस को क्या कर सकते हो, डिविडेंड से सर्व ऑफ कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई अगर आपके शेयर भले ही एसआईटी है फिर भी डिविडेंड इनकम आपकी कहाँ पे टैक्सेबल होगी, पीजीपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल करी जाएगी। अच्छा, अब अपन कॉन्सेप्ट देखें डिम डिविडेंड का। तो बेसिकली ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी क्या करती है, कोई कंपनी अपने एसेट्स शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो कोई कंपनी पैसा देने के बजाय क्या कर देती है, अपने एसेट्स दे देती है शेयरहोल्डर को, तो गवर्नमेंट ये मानती है कि भाई आपने जो है एक तरह का डिविडेंड ही दिया है। तो देखो क्या रखा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी का एसेट टू इट्स शेयरहोल्डर, तो कंपनी के एसेट किसने बांट दिए, कंपनी ने शेयरहोल्डर को बांट दिए, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वो क्या मान लिया जाएगा, डिम डिविडेंड मान लिया जाएगा। अच्छा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा, कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब क्या है वो देखना, कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब है, मैं आपको बता देता हूं, आपके रिजर्व एंड सरप्लस थे कितने, 100 रुपए, आपने 100 रुपए में से क्या करा, बेसिकली 10 रुपए का बोनस शेयर इशू कर दिया। तो मैं आपको इधर लिखा ही देता हूँ कि भाई आपके रिजर्व एंड सरप्लस थे कितने, 100 रुपए, आपने क्या करा, करंट ईयर में 10 रुपए का जो है बोनस शेयर इशू कर दिया, 10 रुपए आपका बोनस शेयर इशू कर दिया। तो बेसिकली आपका जो है ये बोनस शेयर इशू करोगे तो कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
बेसिकली आपके रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो गए, रिजर्व एंड सरप्लस 100 माइनस 10 कितने हो गए, 90 हो गए, और शेयर कैपिटल आपका कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई अगर कंपनी के एसेट्स शेयरों को बांट दिए जाते हैं तो उसको डिविडेंड मान लिया जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज और नॉट। तो मैंने आपको बताया रिजर्व एंड सरप्लस 100 रुपये के थे, 10 रुपये के आपने बोनस शेयर इशू कर दी तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस कितने हो गए, 90 के हो गए, और आपने जो बोनस शेयर इशू करे वो ऊपर आ गए। तो जो अपने ऊपर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं ना उसमें ये दोनों इंक्लूड होगा, 10 प्लस 90 कितना हो गया 100। तो ये जो मैंने 10 रुपये कैपिटलाइज कर दिए, 10 रुपये जो मैंने कैपिटलाइज कर दिए वो भले ही आपके रिजर्व एंड सरप्लस से हट गए लेकिन अपन उसको भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड करेंगे। अच्छा एक और चीज समझना, कंपनी के हाथ में एसेट्स आ गए, अब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो सीधी सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर जो अपने एप्लीकेशन पढ़ा था, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ शेयरहोल्डर क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ द कंपनी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। इसी तरह से ध्यान रखना अगर क्या होता है बेसिकली कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, लिक्विडेशन के टाइम पे शेयरहोल्डर को जो भी चीजें मिलती है, तो देखो क्या रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन के टाइम पे शेयरहोल्डर को जो भी चीजें मिली है वो क्या मानी जाती है बेसिकली डिविडेंड मानी जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन होने के बाद जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसमें से जो पैसा बांटा जा रहा है वो डिविडेंड नहीं है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, इट इज द रिपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल। आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई लिक्विडेशन के दौरान ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडेशन टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट क्या है बेसिकली आपका जो है डिविडेंड है। अच्छा अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने कैप गेन्स के अंदर जब अपन क्या कर रहे थे लिक्विडेशन का टैक्सेशन कर रहे थे, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि भाई जो कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है क्या करती है अगर अपने शेयर्स को बेसिकली क्या करती है बायबैक करती है। दिखा देता हूँ आपको IFRS कैप गेन्स मैंने गलती से बायबैक बोल दिया ना, वो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन 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 कहाँ गया आई कर रहा है जा दिख जा दिख जा दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिख ना तो ये रहा मैंने गलती से बाय को बोल दिया ना वो लिक्विडेशन है लिक्विडेशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय द कंपनी ऑन लिक्विडेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब सेक्शन 46 कर रहे थे कि भाई अगर कंपनी क्या करती है अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन लिक्विडेशन तो उस केस में क्या होता है कंपनी को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शेयरहोल्डर के हाथ में क्या हो जाता है बेसिकली अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। फिर शेयरहोल्डर क्या करते हैं कैपिटल गेन्स निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेल कंसीडरेशन होती है उसमें से अपन क्या करते हैं अमाउंट डीम्ड एज डिविडेंड लेस करते हैं 222C। आपको ध्यान रखना है कि भाई लिक्विडेशन के टाइम पे अगर कंपनी के एसेट्स बांटे जाते हैं शेयरहोल्डर को तो वो क्या मान लिया जाता है डीम डिविडेंड मान लिया जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ जब लिक्विडेशन हो रहा है तो उस केस में अगर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो एक तो आप जो है डीम डिविडेंड भी मान रहे हो मतलब शेयरहोल्डर इधर भी टैक्स पे कर रहा है और शेयरहोल्डर बेसिकली इधर भी टैक्स पे कर रहा है। ठीक है ना, देखो ये रहा तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जितना आपने टैक्स इधर पे कर दिया जितना डीम डिविडेंड इधर मान लिया गया है मतलब जितने अमाउंट पे इधर आपने टैक्स पे कर दिया है उतने अमाउंट पे आपको वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपकी सेल कंसीडरेशन होती है जब आप कैपिटल गेन्स निकालते हो तो सेल कंसीडरेशन से क्या करते हो उतना अमाउंट लेस कर देते हो ताकि दो बार आपको टैक्स पे करना ना पड़े। मैंने आपको बताया था कि भाई अमाउंट डीम्ड एज डिविडेंड इधर से लेस क्यों होता है उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्योंकि लिक्विडेशन के टाइम पे जब कंपनी के एसेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेयरहोल्डर्स को लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी के जब एसेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं शेयरहोल्डर्स को तो शेयरहोल्डर को जो है डीम्ड डिविडेंड पे भी टैक्स पे करना पड़ता है और सेक्शन 46 में भी टैक्स पे करना पड़ता है। तो बेसिकली उसने एक बार इधर टैक्स पे कर दिया और फिर एक दूसरी बार आप इधर टैक्स पे कर रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई आपने एक बार इधर टैक्स पे कर दिया तो जितने अमाउंट आपने इधर टैक्स पे कर दिया उतने अमाउंट हम इधर क्या कर रहे हैं आपकी सेल कंसीडरेशन में से क्या कर देते हैं लेस कर देते हैं। इसी तरह से देखना आपने अपना क्या करा शेयर कैपिटल रिड्यूस करा तो बेसिकली कंपनी का फेस वैल्यू तो 10 था, कंपनी ने क्या करा बेसिकली उसकी फेस वैल्यू 2 रख दी और 8 रुपये जो है शेयरहोल्डर को बांट दिए। तो इनकम टैक्स पर्पज से ये माना जाता है कि भाई आपने क्या करा है डीम डिविडेंड ही दिया है मतलब डिविडेंड ही दिया है और उसको जो है डीम डिविडेंड मानते हुए टैक्स पे करना पड़ता है किसको शेयरहोल्डर को। देखो क्या देखा है डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयरहोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयरहोल्डर्स बाय द कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ठीक है, अब देखो क्या देखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन रिडक्शन इज नेसेसरी। क्या कह रहा है ये कि भाई आपने जो है शेयर कैपिटल रिड्यूस करा और शेयर कैपिटल रिड्यूस करने के बाद क्या करे हैं आपने बेसिकली कोई डिस्ट्रीब्यूशन कराया डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो या तो पैसा बांट दिया या फिर एसेट्स दे दिए। तो देखो क्या देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इज नेसेसरी रिडक्शन पर्सुएंट टू द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वुड नॉट इनवोक 222। तो आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन समझ रखा होगा एडवांस अकाउंट में जब आपने इंटर करा था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली होता यह है कि भाई हम जो है शेयर कैपिटल रिड्यूस करते हैं लेकिन बदले में शेयरहोल्डर्स को कुछ देते नहीं है। तो सरकार ये कहती है कि अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा लेकिन अगर आपने कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करें फॉर एग्जाम्पल आपने कैश दिया है या फिर उसको उसके बदले में कोई दूसरे एसेट दे दिए तो जो है डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। एक और चीज देखना
आपने बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स को क्या क्या बांटा है, डिवेंचर्स बांटे हैं, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स बांटे हैं, तो उसको क्या मान लिया जाता है, उसको बेसिकली डिम डिविडेंड मान लिया जाता है। इसी तरह से अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को बोनस शेयर दिए हैं तो बोनस शेयर्स टू द प्रेफरेंस शेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ अक्युमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, तो उस केस में भी उसको जो है डिम डिविडेंड मान लिया जाता है। ध्यान रखना, बोनस शेयर्स मैंने किसको दिए, प्रेफरेंस शेयर्स को दिए तो डिम डिविडेंड माना जाता है, लेकिन अगर बोनस शेयर मैंने इक्विटी शेयर्स को दिए तो बेसिकली वो डिम डिविडेंड नहीं है। मैंने साफ साफ लिख रखा है प्रेफरेंस शेयर्स, पीएस मतलब प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स मैंने प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स किसी को भी दिए, वो क्या माना जाता है, बेसिकली डिम डिविडेंड माना जाता है। अब एक और चीज समझना, क्या दे रखा है, फॉर ए एंड बी अबो, फॉर ए एंड बी अबो। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने जो है एक प्लांट एंड मशीनरी शेयर को दे दी, ठीक है, अच्छा शेयर होल्डर को जो है उस पर डिम डिविडेंड मानते हैं, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कितने अमाउंट पे करा जाए, तो कुछ नहीं देखना, आपने जो भी एसेट बांटे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो क्या हो जाएगा, डिम डिविडेंड अमाउंट हो जाएगा, शेयर होल्डर को उतने अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो नोट फॉर ए एंड बी अबाउट, मार्केट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब वही देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिबेंचर्स इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, जो अपने ऊपर पड़ा था, और जो अपने कैपिटल गेन्स भी बहुत डेप्थ में समझा था, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर क्या होता है। अब एक और चीज देखना, अगर आप एक क्या हो प्राइवेट कंपनी हो या फिर आप एक जो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, और आपने जो है लोन दे दिया या एडवांस दे दिया, तो एडवांस से लोन बाय द क्लोज्ड एंड कंपनी, क्लोज्ड एंड कंपनी बोले तो प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, किसी ऐसे शेयर होल्डर को जो बेनिफिशियल ओनर है ऑफ 10% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ओनली, तो उसको भी जो है डिम डिविडेंड माना जाता है। तो अगर आप क्लोज्ड कंपनी हो और आपने जो है लोन दे दिया या फिर एडवांस दे दिया एक शेयर होल्डर को जो आपकी कंपनी में एटलीस्ट 10% की क्या करता है वोटिंग पावर रखता है, तो उसको जो है डिम डिविडेंड मान लिया जाता है। लेकिन ट्विस्ट देखना, इधर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, इधर कैपिटलाइज वर्ड यूज नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा इधर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कभी भी टेस्ट कर सकता है। तो ऊपर अपने जो भी चार पॉइंट पड़े हैं उसमें देखो कैपिटलाइज आ रहा था, कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज्ड, ये कैपिटलाइज्ड, लेकिन इधर आपका जो है कैपिटलाइज नहीं आएगा, मतलब जो अपने बोनस शेयर इशू कर दिए उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर आपने लोन दे दिया तो क्या मान लिया जाता है, बेसिकली ये मान लिया जाएगा कि भाई आपने जो है अपने शेयर को डिविडेंड दिया है, और सामने वाले के हाथ में वो क्या हो जाएगा, बेसिकली डिम डिविडेंड के नाम पे टैक्स पे करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, बोले तो जो शेयर होल्डर है। अच्छा, इसी तरह से आपने किसी एचयूएफ को, फर्म को, कंपनी को, एओपी, बीओआई को, इसका मतलब क्या है कि भाई किसी स्पेसिफाइड कंसर्न को आपने लोन या एडवांस दे दिया, तो जो आपने लोन या एडवांस दिया है वो डायरेक्टली शेयर होल्डर को नहीं दिया, तो ये क्या है, ये शेयर होल्डर है, ये कंपनी है और ये आप कंपनी हो, तो आपने इसको नहीं दिया पैसा डायरेक्टली, आपने क्या करा इसको पैसा दे दिया। तो सरकार ये कहती है, अपना लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी ऐसे कंसर्न को पैसा दिया है जिसमें इस बंदे का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी ये माना जाएगा कि भाई आपने जो है डिम डिविडेंड किसको दिया है, इसको दिया है, और इसके हाथ में क्या हो जाएगा, बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगा। अब पढ़ो, तो एडवांस और लोन बाय द क्लोज्ड कंपनी टू द स्पेसिफाइड कंसर्न, बोले तो एचएफ को दिया, फर्म को दिया, कंपनी को दिया, एओपी, बीवाई, इन विच जो ये शेयर होल्डर है, बोले तो ये वाला शेयर होल्डर, इसकी एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर है, इन विच द अबव शेयर होल्डर इज अ मेंबर और पार्टनर, ठीक है, एंड इन विच ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इन विच ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो पूरे साल में किसी भी एक भी दिन, पूरे साल में एक भी दिन अगर क्या है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट 20% ऑफ द इनकम ऑफ द कंसर्न उसको मिल रही है, अगर एटलीस्ट 20% का वो क्या है हकदार है, तो उसको क्या माना जाता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है। अब एक और चीज समझना, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने जो है ये कंपनी है और ये क्या है इंडिविजुअल है, कंपनी ने डायरेक्टली इसको लोन नहीं दिया, कंपनी ने किसी ऐसे बंदे को लोन दे दिया, कंपनी ने किसी ऐसे बंदे को लोन दे दिया जो अल्टीमेटली इसको लोन दे देगा, सरकार ये कहती है कि भाई हमने स्पेसिफाइड कंसर्न तो ऊपर कवर कर दिया, इसके अलावा अगर आप किसी इंडिविजुअल को पैसा दे रहे हो, और किसके बेनिफिट के लिए दे रहे हो, किसी इंडिविजुअल को पैसा दे रहे हो, किसके बेनिफिट के लिए दे रहे हो, इसी शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए दे रहे हो, तो भी इसके हाथ में क्या हो जाएगा, डिम डिविडेंड हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह से आप घुमा फिरा के पैसा नहीं दे सकते। तो एनी पेमेंट बाय सच क्लोज लाइड कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, मतलब आपने किसी को भी पैसा दिया और किस लिए दिया, कि भाई ये वाला जो बंदा है जिसको पैसा दिया है वो उसी शेयर होल्डर का बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो एनी पेमेंट बाय द क्लोज लाइड कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर विल ऑल्सो बी डीम्ड एज डिविडेंड, ठीक है। तो मैंने ये कंपनी है, कंपनी को जो है, कंपनी ने जो है इंडिविजुअल को पैसा नहीं दिया, कंपनी ने किसी एक फ्रेंड को, कंपनी का जो है किसी इसके फ्रेंड को पैसा दे दिया और इसके बिहाफ पे दे दिया, तो मतलब बेसिकली इसने इसको पैसा दे दिया और अल्टीमेटली इसको पैसा दे देगा। तो घुमा फिरा के सरकार ने क्या करा, इस रेस्ट्रिक्शन को लगा दिया कि भाई घुमा फिरा के आप किसी भी तरह से हमें टोपी नहीं पहना सकते। अब एक और चीज समझना, आपने एक बार लोन दे दिया, आपने एक बार लोन दे दिया, ठीक है, तो उसको डिम डिविडेंड माना ही जाएगा, भले ही उसी साल में जो है सामने वाले बंदे ने आपको जो है लोन रिपे कर दिया। तो देखो क्या रखा है, सब्सिक्वेंट रिपेमेंट ऑफ लोन, या फिर भले सामने वाले से आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट रिपेमेंट ऑफ लोन या फिर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट एट द मार्केट रेट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो भले ही आपने जो लोन दिया है उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, या फिर आपने जो लोन दिया उस सामने वाले बंदे ने वापस दे दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार आपने लोन दे दिया डिविडेंड माना ही जाएगा उस साल का, और डिविडेंड किसका माना जाएगा, जिसने पैसा रिसीव कराया, बोले तो शेयर होल्डर ने। एक और देखना क्या रखा है,
इसको अपन डीम डिमेंट नहीं कहेंगे। अगर आपने लोन दिया है और नहीं कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी कंपनी का बिजनेस ये है कि भाई आप लोगों को क्या देते हो, लोन देते हो, तो उस केस में जो है ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा डीम डिमेंट वाला, जो 222E में पढ़ा है अपन ने। इसी तरह से देखो क्या रखा है, डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट डीम डिविडेंड, इसका मतलब क्या है वो देखो। करंट ईयर में कंपनी ने क्या करा, करंट ईयर में कंपनी ने जो है अपने शेयर होल्डर को 100 रुपये का लोन दे दिया, तो उसको क्या मान लिया जाता है, इस बंदे के हाथ में जो है डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। अच्छा, कंपनी ने फिर एक्चुअल में डीम डिविडेंड डिक्लेयर, सॉरी कंपनी ने फिर एक्चुअल में डिविडेंड डिक्लेयर करा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि भाई कंपनी ने सबसे पहले जो है 100 रुपये का लोन दे दिया किसको, ये स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को, तो इसके हाथ में डीम डिविडेंड हो गया ना कितने का, 100 रुपये का। बाद में कंपनी ने एक्चुअल में 100 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर करा, एक्चुअल वाला, एक्चुअल डिविडेंड, ठीक है, एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर करा। और फिर कंपनी क्या बोलती है शेयर होल्डर को कि भाई यार एक काम कर, जो हमने तुझे पहले डिम डिविडेंड दिया था ना, जो हमने तुझे पहले डिम डिविडेंड दिया था ना, वो हम डिविडेंड नहीं देते हैं तुझे, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, कंपनी ने सबसे पहले 100 रुपये का लोन दिया, फिर बाद में कंपनी को एक्चुअल में 100 रुपये का क्या देना था, डिविडेंड देना था, लेकिन कंपनी ने एडजस्ट कर लिया कि भाई ठीक है यार हम ये वाला 100 नहीं देते, हमने तुझे पहले 100 रुपये दे दिए। तो बेसिकली जब एक्चुअल डिविडेंड किससे एडजस्ट हो जाता है, डिम डिविडेंड से एडजस्ट कर लिया जाता है, तो ये माना जाता है कि भाई आपने बेसिकली जो है वापस टैक्स नहीं पे करना है। इसका मतलब ये है भाई, आप शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचो, 100 रुपये उसको मिलने थे इधर, उसने उस पर टैक्स पे कर दिया, 100 रुपये मिलने थे इधर, तो एक्चुअल डिविडेंड था, इसे भी टैक्स पे करेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी ने जो है इसको 100 रुपये एक्चुअल में दिए ही नहीं है, बोले तो कंपनी बोलती है कि भाई एडजस्ट कर लिया हमने। एडजस्ट करने का मतलब ये है, कंपनी बोलती है कि हमने तुझे पहले 100 रुपये दे दिए थे ना, और उसके अलावा हम कुछ और नहीं देना चाहते। तो जब जब बेसिकली एक्चुअल डिविडेंड किससे एडजस्ट हो गया, डिम डिविडेंड से एडजस्ट हो गया, तो बेसिकली फिर आपको जो है उसको जो है डिम डिविडेंड नहीं मानना है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो है अमाउंट एक ही बार टैक्सेबल होगा। तो देखो क्या दे रखा है, डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट द डिम डिविडेंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब 100 रुपये का लोन दिया गया था किसको, शेयर होल्डर को, तो उसके हाथ में डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और फिर जब एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, तो 100 रुपये वो टैक्स पे कर देगा, सिंपल सी बात ये, ठीक है ना। तो एक्चुअल में शेयर होल्डर को कितना पैसा मिला, 100 रुपये मिला, और टैक्सेबल कितना होना चाहिए, 100 रुपये होना चाहिए। सरकार कहती है 100 रुपये टैक्सेबल होना चाहिए, आप 100 रुपये डिविडेंड मानते हुए टैक्सेबल कर दो, हम डिविडेंड इसको नहीं मान रहे। तो देखो फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड डिम डिविडेंड, उसमें आ गया कि भाई जो आपने डिविडेंड पे करा है वो आपने सेट ऑफ कर लिया डिम डिविडेंड से। वापस कौन सा मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। कंपनी ने जो है क्या करा, 100 रुपये का लोन दिया किसको, शेयर होल्डर को, ये मैं लिख देता हूँ शेयर होल्डर को, ठीक है। फिर कंपनी को बाद में चाहे 100 रुपये का डिविडेंड एक्चुअल में देना था, लेकिन कंपनी ने क्या एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट बोले तो कंपनी बोलती है कि भाई हमने जो तुझे इनिशियली 100 रुपये दिए थे ना, हम तुझे उतना ही देंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं दे सकते। तो उस केस में गवर्नमेंट अपने को ये कहती है कि भाई जो आपने ये 100 रुपये इनिशियली दिया था ना, इसको हम डिविडेंड डिम डिविडेंड नहीं मानेंगे, इसको एक्चुअल डिविडेंड मानेंगे, उस पर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हम इसको डिम डिविडेंड नहीं मानेंगे, लेकिन इसको एक्चुअल डिविडेंड मानेंगे, और इस पर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सरकार को जो है बेसिकली टैक्स मिलना था 100 रुपये पे, और सरकार को वैसे भी 100 रुपये पे टैक्स मिल रहा है। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक देखो क्या दे रखा है, डिम डिविडेंड ऑल्सो कंसिडर फॉर द बेनिफिट ऑफ एटीएम। अच्छा ये एटीएम क्या होता है, ये अपन जो है चैप्टर 6 का डायरेक्शन पढ़ेंगे जब समझ लेंगे। बेसिकली एटीएम में आपने जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा होता है उसका आपको जो है डायरेक्शन दिया जाता है। तो जो भी आपने डिम डिविडेंड, जो भी डिम डिविडेंड होता है उसका भी आपको डायरेक्शन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल करंट में आपने लोन दे दिया किसको, अपने शेयर को, ठीक है, जो 222E में कवर्ड है, तो इसके में आपको जो है एटीएम का डायरेक्शन दे दिया जाएगा। और एटीएम क्या होता है अपन चैप्टर 6 का जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। अब देखो क्या रखा है, ट्रेड एडवांसेस विच आर इन द नेचर ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, उसको जो है डिम डिविडेंड नहीं माना जाएगा अंडर 222E। इसका मतलब क्या है, देखो एडवांसेस वर मेड बाय द कंपनी टू अ सिस्टर कंसर्न, मतलब बेसिकली कंपनी ने अपने सिस्टर कंसर्न को लोन दे दिया, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसको डिम डिविडेंड नहीं मानेंगे। कब, एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज फॉर द जॉब वर्क डन बाय द सिस्टर कंसर्न, मतलब ये कंपनी है, ये सिस्टर कंसर्न है, इसने कोई सर्विसेज दी थी, कंपनी को पैसा देना था, ठीक है, कंपनी को पैसा देना था, लेकिन कंपनी ने क्या करा, इसको लोन दे रखा है, कंपनी ने जो है इसको लोन दे रखा है, और इसको इसने कोई सर्विसेज दी, और कंपनी को बेसिकली क्या करना था, इसको पैसा देना था। मैंने आपको क्या बताया, वापस देखते हैं, ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर है, सॉरी ये कंपनी है और ये सिस्टर कंसर्न है, सिस्टर कंसर्न ने कोई सर्विसेज दी होगी इसको, कंपनी को, तो इसके बदले में इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अच्छा कंपनी ने क्या कर रखा था, इसको कोई लोन दे रखा था, ठीक है, कंपनी ने जो है इसको लोन दे रखा था, तो कंपनी क्या बोलती है इस सिस्टर कंसर्न को कि देख हमें तुझे 100 रुपये देने हैं, हमने तुझे 100 रुपये का लोन दे रखा है, इसको एडजस्ट कर ले। इसका मतलब ये है कि भाई अब हमें तुझे, हम तुझे कुछ पैसा नहीं देंगे, तो हमें लोन, तो लोन वापस मत लौटाना। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई कमर्शियल ट्रांजेक्शन है ये, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो है सबसे पहले कंपनी को क्या करा, एडवांस करा, एडवांस दिया, मतलब सिस्टर कंसर्न को एडवांस दिया, किसने दिया, कंपनी ने। तो एडवांसेस वर मेड बाय द कंपनी टू द सिस्टर कंसर्न एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज फॉर द जॉब वर्क डन बाय द सिस्टर कंसर्न, ठीक है। अच्छा एक तो अपने केस देखा लोन का, इसी तरह से ये कंपनी है, ये क्या है, सिस्टर कंसर्न है, कंपनी ने इसको एडवांस दे दिया और इसने बेसिकली क्या करी, सर्विस दे दी, फिर बाद में जाकर एडवांस क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो उस केस में जो अपने एडवांस दिया इसको 222E में कवर अपन नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखना क्या देखा है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को क्या दिया, एडवांस दिया, कंपनी ने बेसिकली अपने शेयर होल्डर को एडवांस दिया, देखो क्या दे रखा है,
एडवांसेस वर मेड बाय द कंपनी टू इट्स होल्डर, बताओ 222 में कवर हो जाएगा ना। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई जो एडवांस दिया गया था किस लिए दिया गया था, एडवांस जो दिया गया था किस लिए दिया गया था, ताकि शेयर अपने क्या कर सके, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर सके, टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी एट द शेयर का प्रीमाइसेस टू अनेबल हिम टू डू द जॉब वर्क फॉर द कंपनी सो दैट द कंपनी कुड फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑर्डर। मतलब बेसिकली कंपनी ने एडवांस दिया है शेयर को, ठीक है। अच्छा क्यों दिया है, ताकि शेयर अपने घर पे क्या कर सके, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करा सके और फिर उस पर जॉब वर्क करके कंपनी का जो है फायदा कर सके। मतलब बेसिकली कंपनी को कोई ऑर्डर मिला होगा, कंपनी ने कहा शेयर एक काम कर, तो अपने घर पे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करा रहे, हम तुझे पैसे देते हैं, अच्छा जो भी हमारा काम हमारा जो काम होगा वो तू जॉब वर्क करके हमें दे देना। तो उस केस में सरकार ये कहती है कि जो एडवांस दिया गया है, जो एडवांस दिया गया है वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन कोई टैक्स प्लानिंग नहीं हो रही, उस केस में इसको डिमोटमेंट नहीं माना जाएगा। इसी तरह से देखो क्या दे रखा है, कंपनी ने बेसिकली अपनी सिस्टर कंसर्न को क्या दे रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एडवांस हो गया ना। अच्छा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों दे रखी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली सिस्टर कंसर्न के जनरेटर्स को यूज कर रहे हैं। तो उस केस में भी सरकार ये कहती है कि जो आपने ये एडवांस दिया है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये भी डीम्ड इवेंट नहीं है। अब देख इस चीज देखना, फॉलोइंग डू नॉट कंस्टिट्यूट डिविडेंड, मतलब इनका ऊपर डिविडेंड मानेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या कर रहे हो, कंपनी शेयर्स को बायबैक कर रही है, ठीक है, कंपनी अगर शेयर्स को बायबैक कर रही है तो उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा, उसको बेसिकली डिविडेंड और डिम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर कंपनी ने एसेट बांट दिए डिम डिविडेंड, ठीक है, लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट बांट दिए डिम डिविडेंड, अच्छा अपना कैपिटल रिड्यूस करा, अपना कैपिटल रिड्यूस करा तो उसको भी जो है डिम डिविडेंड मान लिया जाता है। लेकिन सरकार ने कहा, अपना लॉ कहता है कि भाई जो बायबैक करती है कंपनी शेयर्स, तो कंपनी अगर शेयर्स बायबैक करेगी मतलब अपना कैपिटल रिड्यूस करेगी और शेयर को पैसा देगी तो उसको हम डिविडेंड उसको डिम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इसी तरह से देखना क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सी एंड डी अबाउट टू द प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स, ठीक है। तो अपने क्या पढ़ रखा है, अपन ने पढ़ रखा था देखो ये रहा पॉइंट ए बी सी डी और ई। तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि जो सी और डी है ना, इस सी और डी में अगर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को क्या बांटा जा रहा है, एसेट्स बांटे जा रहे हैं, तो उस केस में उसको डिम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इतनी कहानी समझा गई आपको, आगे बढ़ते हैं। फिर डीमर्जर के टाइम पे देखो, डीमर्जर के टाइम पे मैंने आपको बताया था क्या होता है कि भाई एक कंपनी थी वो क्या हो गई, डीमर्ज हो गई, वो डीमर्ज हो गई मतलब दो कंपनी बन गई। तो बेसिकली जो शेयरहोल्डर था उसको इस कंपनी के शेयर के बदले में क्या मिलेंगे, इन दोनों कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, इन दोनों कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो ये रिजल्टिंग कंपनी है, जो भी ये रिजल्टिंग कंपनी है बेसिकली क्या करेगी, अपने शेयर इशू करेगी, और ये वाली जो कंपनी है ये भी जो है अपने शेयर इशू करेगी। तो इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो ये नहीं कह सकता, वो ये नहीं कह सकता कि भाई आपने क्या करा है, इनडायरेक्टली जो है क्या करें, बेसिकली एसेट डिस्ट्रीब्यूट करें। अब देखो क्या दे रखा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑन द डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयरहोल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी, ठीक है, वेदर नॉट देयर इज अ रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ द डीमर्ज कंपनी। इसका मतलब क्या है कि भाई डीमर्जर के टाइम पे रिजल्टिंग कंपनी ने क्या करा, बेसिकली शेयर इशू करे किसको, शेयरहोल्डर्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी को। तो उस केस में बेसिकली ये तो जेन्युइन ट्रांजेक्शन था, ये क्या था, जेन्युइन ट्रांजेक्शन था। एओ ये नहीं कह सकता कि भाई आपने जो है क्या करा, एसेट्स को ट्रांसफर करा इनडायरेक्टली, ठीक है। तो एओ कैन नॉट इन्वोक 222A ट्रीटिंग इट एज इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट। इसी तरह से अगर डीमर्ज कंपनी की क्या हो जाती है, बैलेंस शीट का कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। तो आपने जो है एफआर में पढ़ रखा होगा, एफआर में जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो तो आपने ये देखा होगा कि भाई अगर एक कंपनी है वो क्या हो जाती है, डीमर्ज हो जाती है। तो इसका अगर शेयर कैपिटल कितना था, 10 रुपये था, तो क्या हो जाता है, 6 और 4 हो जाता है। तो इसका जो शेयर कैपिटल था बेसिकली रिड्यूस हो गया ना, 6 और 4 में रिड्यूस हो गया। तो बेसिकली जो रिडक्शन ऑफ कैपिटल है इसको भी अपन बेसिकली डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। तो रिजल्टिंग कंपनी ने अगर डीमर्ज कंपनी के शेयरहोल्डर्स को एसेट डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसको बेसिकली एओ ये नहीं कह सकता कि क्या है ये, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एसेट है, उसको वो डीम डिविडेंड ट्रीट नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर डीमर्ज कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है तो भी जो है बेसिकली डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। देखो रिजर्व जो आपने प्रॉफिट से क्रिएट कर रखे हैं, देखो क्या दे रखा है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स इन ABCDE मींस द प्रॉफिट अप टू द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो जिस दिन आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन तक का आपको देखना है कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कितना था। और लिक्विडेशन के टाइम पे उधर क्या कवर है, ए कवर है, बी कवर है, डी कवर है, ई कवर है, तो सी का कवर है नीचे। तो अगर लिक्विडेशन पे देखा जाए तो डेट ऑफ लिक्विडेशन देखते हैं कि भाई डेट ऑफ लिक्विडेशन के दिन पे आपके पास कितना एक्युमुलेटेड प्रॉफिट था। तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इन सी बोले तो लिक्विडेशन इंक्लूड ऑल द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। अब ध्यान रखना जो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके बुक्स में आ रहा है तो वो जो है आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। इसी तरह से ध्यान रखना कि भाई अगर आपकी कंपनी लिक्विडेट हो रही है, क्यों लिक्विडेट हो रही है, क्योंकि सरकार ने आपकी जो है कंपनी को क्या कर लिया, कंपलसरी एक्वायर कर लिया। तो आपका जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट डू नॉट इंक्लूड, देखो क्या रखा है, डू नॉट इंक्लूड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में क्या इंक्लूड नहीं होगा, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी प्रायर टू थ्री सक्सेसिव प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसिंग द प्रीवियस ईयर इन द इक्वेशन टू प्लेस। मतलब बेसिकली इक्वेशन अगर इस साल हुआ है तो इसके पिछले तीन साल तक के प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे, इससे पहले के प्रॉफिट्स को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे।
ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई, अब पढ़ना। सो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स डू नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं होते एनी प्रॉफिट ऑफ द कंपनी प्रायर टू प्री प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एक्विजिशन टुक प्लेस। मतलब जिस साल एक्विजिशन हुआ उसके पीछे 3 साल के प्रॉफिट इंक्लूड होंगे, उससे प्रायर इंक्लूड नहीं होंगे। अब एक और चीज समझना, दो कंपनी क्या हुई, अमलगमेट हो गई। ये एक अमलगमेटिंग एक कंपनी थी, एक थी कंपनी बी, ये दोनों क्या हुई, ए और ए प्लस बी हो गई। ठीक है, अब जब बी क्या कर रही है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जब बी बेसिकली डिम डिविडेंड बांटती है, जब बी जो है डिम डिविडेंड बांटती है, तो जब बी क्या चेक करेगी, अक्युमुलेटेड प्रॉफिट को चेक करेगी। तो अपना जो लॉ है, जो गवर्नमेंट है, वो ये कहती है कि जो बी के अक्युमुलेटेड प्रॉफिट होंगे उसमें ए के अक्युमुलेटेड प्रॉफिट को भी इंक्लूड करा जाएगा। मतलब जब बी बेसिकली डिम डिविडेंड बांटेगी तो अपने अक्युमुलेटेड प्रॉफिट को चेक करेगी कि कितने हैं। तो जब भी अक्युमुलेटेड प्रॉफिट को चेक करेगी ना, तो इसमें बी के अक्युमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड होंगे, इसके अलावा ए के भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो अगर आपने रेगुलर बेस ले रखा होगा तो इसको आपको पता होगा कि भाई टैक्स प्लानिंग हो रही थी, उस टैक्स प्लानिंग को नलीफाई करने के लिए हमने जो है ये अमेंडमेंट लाया था। तो इन केस ऑफ अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है, अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी ऑन द रेट ऑफ अमलगमेशन शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। देखो क्या रखा, इंक्लूडेड शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट एज द केस में ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी। फिर देखो, अमाउंट डीम्ड एज डिविडेंड विल गो टू रिड्यूस द अक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका अक्युमुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपये, आपने करंट में किसी शेयर होल्डर को लोन दे दिया 10 रुपये का, ठीक है, तो बेसिकली अब आपका अक्युमुलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया 90। अब अगर फ्यूचर में आप लोन देते हो, फ्यूचर में अगर आप लोन देते हो, तो आपको जो है आपके अक्युमुलेटेड प्रॉफिट कितने रह गए, 90 ही रह गए। तो क्या रखा है, अमाउंट डीम्ड एज डिविडेंड विल गो टू रिड्यूस द अक्युमुलेटेड प्रॉफिट, ये आ गया एग्जांपल। अच्छा अब देखना, आप एक कंपनी हो, आपने जो है क्या बांटा है, डिविडेंड बांटा है, डिविडेंड पे सामने वाले को टैक्स कब पे करना है। तो अगर आपका फाइनल डिविडेंड है जिस साल डिक्लेयर हो गया, उस साल उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर डिम डिविडेंड है, देखो क्या रखा, डिम डिविडेंड अंडर ए बी सी डी जिस साल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अच्छा 222 ई वाले तो इस साल पे हो गया, और इंटरिम डिविडेंड है तो व्हेन इट इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी टू द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू इट। तो क्या रखा है, इनकम कम मानी जाएगी, मतलब टैक्स कब पे करना है आपको, फाइनल डिविडेंड के केस में जब डिक्लेयर हो गया, इंटरिम डिविडेंड के केस में व्हेन अनकंडीशनली मेड अवेलेबल, 222 ई के केस में मतलब लोन एडवांस या लोन के केस में जब पे करा गया है, और डिम डिविडेंड के केस में ए बी सी डी वाले केस में जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरा डेप्थ में मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट करा दिया, इसके अलावा आपसे आईएफएस में कोई और कॉन्सेप्ट नहीं पूछ सकता। वो लास्ट अपन कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, अपन बीटी करेंगे बिजनेस ट्रस्ट जब देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज देख लेते हैं अपन, तो क्या रखा है, सम इंपॉर्टेंट जुडिशियल डिसीजन देखते हैं अपन। तो क्या रखा है, 56-10 वुड नॉट बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ शेयरहोल्डर्स ऑन रिसीप्ट ऑफ बोनस शेयर्स इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर एंड आफ्टर द बोनस इशू इज सेम। वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर एंड आफ्टर द बोनस इशू इज सेम। कंपनी ने अगर अपने शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर दिए हैं तो उसको गिफ्ट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि बोनस शेयर के पहले एंड बोनस शेयर के बाद दोनों का मिला के जो है वैल्यू सेम ही रहता है। इसी तरह से एक और चीज समझना, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द शेयर एप्लीकेशन मनी। आप एक कंपनी हो, आप आईपीओ लेके आए, लोगों ने पैसा सब्सक्राइब कर लिया, मतलब आपके पास क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी आ गई, अभी तक आपने शेयर अलॉट नहीं करे, तो आपके पास जो ये पैसा गया था आपने क्या करा, बैंक में जमा करा दिया। आपके पास जो पैसा आ गया वो आपने क्या करा, बैंक में जमा करा दिया। अब सवाल आता है कि जो आपने पैसा बैंक में जमा कराया उससे आपको इंटरेस्ट हुई, तो ये इंटरेस्ट आपकी आईएफओएस है क्या, ये इंटरेस्ट आपकी इनकम है क्या? तो आपने जो है पीजीपी हेड में जब अपन रिविजन कर रहे थे, मैंने आपको क्या बताया था कि शेयर इशू एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं करे जाते। तो जब अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउ नहीं करा जाते तो शेयर इशू इनकम भी आपकी टैक्सेबल नहीं होगी। तो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन मनी जो आपने बैंक में जमा करा दी, जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस एंड इज नॉट लाइबल टू बी टैक्स अंडर आईएफओएस। तो जो अपने पब्लिक इशू एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिडक्टेबल नहीं होते, उसका आपको जो है खर्चा नहीं मिलता। इसी तरह से जो आपकी बेसिकली पब्लिक इशू के दौरान आपको जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उस पर जो इंटरेस्ट इनकम हुई है वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। उसको आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हो, इसका अगेन कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि भाई आपको जो है इस इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, आपने शेयर होल्डर को लोन दिया, तो लोन टू अ शेयर होल्डर इज नॉट कंसिडर्ड एज डिविडेंड अंडर 222E अगर लेंडिंग इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंपनी का बिजनेस। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कंपनी का बिजनेस ही है कि वो क्या करती है, लोन्स देती है, तो उस केस में 222E नहीं लगेगा। अब देखो क्या रखा है, रेनोवेशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट टू प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द शेयरहोल्डर। तो शेयरहोल्डर की जो है एक प्रीमाइसेस थी, कंपनी ने क्या करा, उस पर रेनोवेशन एंड एक्सपेंसेस करा दिया। ठीक है, हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड ऑक्यूपाइड बाय द कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिम डिविडेंड। इसका मतलब क्या है कि शेयरहोल्डर की एक प्रीमाइसेस थी, शेयरहोल्डर की बिल्डिंग थी जिसमें कंपनी क्या करती है, अपना खुद का बिजनेस करती है। अच्छा, कंपनी ने अगर क्या करा, रिपेयर एंड इनोवेशन करा दिए, तो रिपेयर एंड इनोवेशन के खर्चे करा दिए, तो ये नहीं माना जाएगा कि भाई कंपनी ने शेयरहोल्डर को कुछ बेनिफिट दे दिया। तो कंपनी ने अपने खुद के बिजनेस के लिए कराया है, तो उसको जो है डिम डिविडेंड ट्रीट नहीं कर सकते अपन। तो रिपेयर एंड रिनोवेशन एक्सपेंसेस कंपनी ने करे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस जो शेयरहोल्डर की है, जिस पर कंपनी क्या कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है, उसको डिम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, ओनली
Gratuitous loans and advances given to the shareholders owing at least 10% voting power are considered as dividend. अच्छा, लोन गिवन इन रिटर्न ऑफ एन एडवांटेज कन्फर्ड अपॉन द कंपनी बाय द शेयरहोल्डर डू नॉट फॉल अंडर 220D. इसका मतलब क्या है? वही कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो अपने पढ़े थे. ग्रेटिट्यू इसका मतलब यह है कि भाई अगर कंपनी ने वन साइडेड लोन दिया है, एक तरफा प्यार था, एक तरफा प्यार था, कंपनी ने जो है अपनी वन साइडेड लोन दे दिया किसको, शेयरहोल्डर को, तो उस केस में उसको डिम डिविडेंड माना जाता है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि भाई ये कंपनी है, ये शेयरहोल्डर है, शेयरहोल्डर ने बेसिकली क्या, कंपनी ने कुछ एडवांस दे दिया इसको, कंपनी ने कुछ एडवांस दे दिया. और किस बात का एडवांस दिया? कि भाई ये बेसिकली जो है सर्विसेज देगा कंपनी को. तो जब इसने सर्विसेज दे दी तो ये एडवांस एडजस्ट हो गया, जो अपने पहले पढ़ा था. तो बेसिकली शेयरहोल्डर ने कुछ एडवांटेज दिया है कंपनी को, शेयरहोल्डर ने कंपनी के लिए कुछ सर्विसेज परफॉर्म करी है, उसके बदले में इसको एडवांस दिया गया है, तो उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा. तो अगर एक तरफा प्यार होता है तो इसको डिविडेंड माना जाता है. इधर एक तरफा प्यार नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है शेयरहोल्डर ने भी क्या दिया, रिटर्न में एडवांटेज दिया कंपनी को. इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी. अब एक और पॉइंट देखना, क्या दे रखा है, एक और पॉइंट समझना. अंडर सेक्शन 57 जो आपको डिडक्शन मिलते हैं आईएफओएस की इनकम में से, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पर डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो मैंने आपको बताया कि भाई फॉर एग्जांपल आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है. तो आपने ये देखा है कि भाई अगर इस सिक्योरिटीज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने कोई लोन ले रखा था, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट, इस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उस इनकम में से आप सेट ऑफ कर सकते हो. लेकिन आप अज्यूम करो ये जो लोन लिया था आपने, इस लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट आपने पे नहीं करा. ठीक है, इसका आपने जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करा. और वो भी क्या हो गया, बेसिकली जो आपने अमाउंट पे नहीं करा वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, लोन में कन्वर्ट हो गया. तो देखो क्या दे रखा है, यू डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. आपने जो है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा, तो आपने जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा. अब देखो इंटरेस्ट कंपोनेंट एडेड ड्यू टू द प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो किस में ऐड हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट में ऐड हो गया. तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करा, इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करा, तो जो आपकी इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये भी लोन में कन्वर्ट हो गई. और लोन में कन्वर्ट हो गई का मतलब ये है कि भाई ये आपकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गई. अब जब इस अमाउंट पे वापस इंटरेस्ट लग रहा है तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउ नहीं करा जाएगा. तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट ऐड हो गया, इस पे फर्दर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अलाउ नहीं किया जाएगा. तो आपको क्या बात समझ में आई कि भाई आई ऑन आई सो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा. इसी तरह से मैंने आपको बताया था कैजुअल इनकम. कैजुअल इनकम में क्या होता है कि भाई अगर आपकी जो लॉटरी, अगर आपको लॉटरी लग गई, अगर आपको बेसिकली क्या लगी है, लॉटरी लगी है ना, अगर आपको लॉटरी लगी है तो वो इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होती है, आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होती है. अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना. आप क्या हो, डीलर हो लॉटरी के, आप एक डीलर हो लॉटरी के. आपने जो है क्या कर देखी थी, 10 आपके पास 5 लॉटरी टिकट थी, आपने 4 बेच दी, आपने क्या करी, 4 बेच दी. ये जो एक आपके पास बच गई लॉटरी टिकट, इसमें आपको लॉटरी लग गई. क्या मतलब बताया मैंने आपको, आप डीलर हो, आपके पास 5 टिकट थी, आपने कस्टमर को 4 बेच दी. ठीक है, अच्छा आपके पास जो ये एक लॉटरी टिकट है ना, आपके पास जो ये एक लॉटरी टिकट है, इसकी लॉटरी आपको लग गई. अब सवाल ये आता है कि भाई आप तो डीलर थे, आप लॉटरी टिकट के क्या थे, डीलर थे. ये जो आपको विनिंग हुई है ये आईएफओएस में टैक्सेबल हुए या फिर बिजनेस इनकम में टैक्सेबल हुए? तो लॉ ने क्लेरिफाई कर दिया कि जो आपको लॉटरी लगी है ना, ये आपकी क्या है बेसिकली, ये आपकी जो है कैजुअल इनकम ही है. और इस पर आपको जो है 115BB में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ये आपकी बिजनेस इनकम नहीं है. अब एक और चीज देखना, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट रिप्रेजेंट्स द इनहांस्ड वैल्यू ऑफ लैंड. अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आपका जो है लैंड क्या होता है, कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है, तो आपको क्या मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है. तो आपको जो है बेसिकली कंपेंसेशन मिलता है. अब देखना, आपको जो है कंपेंसेशन डिटर्मिन होने के बाद, आपका कंपेंसेशन डिटर्मिन हो गया, बोले तो सरकार ने कहा कि भाई रोहन को 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मिलना चाहिए. अच्छा, जिसने सरकार ने मुझसे क्या करा था, बेसिकली लैंड एक्वायर करा था, सरकार को मुझे जो है 1 करोड़ का कंपेंसेशन देना था, सरकार ने जो है 1 साल लेट कर दिया, तो सरकार क्या कर रही है, इस 1 करोड़ के ऊपर ब्याज देगी. अब मुझे एक चीज बताओ, अपने पढ़ रखा है इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन एंड एनहांस्ड कंपेंसेशन कहां पे टैक्सेबल होता है, आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होता है. तो देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट फॉर डिले इन मेकिंग द पेमेंट आफ्टर द कंपेंसेशन अमाउंट इज डिटरमिन्ड, वो कहां पे टैक्सेबल होता है, आईएफओएस में टैक्सेबल होता है, अपने पढ़ रखा है. लेकिन 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 इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट रिप्रेजेंट्स द एनहांस्ड वैल्यू ऑफ लैंड. तो बेसिकली एक बार कंपेंसेशन अमाउंट डिटर्मिन हो गया, उसके बाद आपको वो डिले कर दिया गया, उस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, वो तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा. लेकिन कंपेंसेशन अमाउंट डिटर्मिन होने से पहले आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा, कि वो इनहांस्ड कंपेंसेशन है. तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 दैट इज कंपेंसेशन कंपोनेंट एंड नॉट इंटरेस्ट कंपोनेंट, उसको जो है क्या माना जाएगा, कंपेंसेशन कंपोनेंट माना जाएगा, उसको जो है इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा. एंड दस लाइबल टू बी टैक्सेस कैपिटल गेन. मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक बार आपका कंपेंसेशन अमाउंट डिटरमिन कर दिया जाता है,
उसके बाद वो कंपेंसेशन अगर डिले हो जाता है, डिले होने पे जो आपको ब्याज मिलता है वो कहाँ टैक्स में होगा, हाई परसेंट। लेकिन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 है या फिर 1894 है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है, इसने कहा कि भाई आपको जो है 1 करोड़ का कंपेंसेशन मिलना चाहिए। कोई जो ब्याज लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का ब्याज लग गया, तो आपको जो मिल रहा है 1 करोड़ 10 लाख। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट मुझे ये कहता है कि जो आपको ये 10 लाख का जो ब्याज मिला है ना, 10 लाख का जो आपको ब्याज मिला है, ये बेसिकली आपका इंटरेस्ट नहीं है, ये भी कंपेंसेशन अमाउंट में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो जब अपन क्या करते हैं, बेसिकली कैप गेन्स निकालते हैं, जब कैप गेन्स निकालते हैं तो सेल कंसीडरेशन में अपन क्या करते हैं, कंपेंसेशन को रिसीव करते हैं। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये कंपेंसेशन अमाउंट में ही ऐड किया जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट नहीं है। वापस पढ़ो, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, इनहांस्ड वैल्यू ऑफ लैंड, दैट इज ये कंपनसेशन कंपोनेंट ही है और ये इंटरेस्ट नहीं है, एंड दस लाइबल टू बी टैक्स कैपिटल गेन एंड नॉट अंडर IFOS। लेकिन 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 अगर कंपनसेशन अमाउंट डिटर्मिन कर दिया गया, उसके बाद वो डिले हो गया, डिले इन द मेकिंग पेमेंट, आपको जो है कंपनसेशन मिला नहीं था कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या होगा, IFOS होगा, जिसको अपन टेक्निकली क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या फिर इंटरेस्ट ऑन इनहांस कंपनसेशन, जिससे मैंने आपको बताया था कि फ्लैट 50% खर्च आपको अलाउ कर दिया जाता है, बैलेंस इनकम पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ता है IFOS। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अच्छा, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू वाला रूल है ना, या पढ़ लेना, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू वाला रूल है आप पढ़ लेना, गाइडलाइंस के लिए दे रखा है। गाइडलाइंस बोले तो क्या मतलब है, जैसे अपन 56-10 में बात करते हैं ना फेयर मार्केट वैल्यू की, 50C में किस बात की बात करते हैं अपन, 50C में अगर अपन ने अनलिस्टेड शेयर्स को बेचा है तो अपन देखते हैं कि सेल कंसीडरेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज पर 11UA व्हिचएवर इज हायर क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए। इसी तरह से 56-10 मुझे बताता है कि अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है फ्री में मिली है, अपन चेक करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है क्या, फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने का सरकार ने तरीका बता रखा है कि भाई कौन कौन से एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू अपन कैसे लेंगे, अब एक बार पढ़ लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी चीजें। ऑलराइट, तो अपना IFOS का जो है पूरा रिविजन खत्म हो गया फाइनली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि भाई आपको जो है एक्सप्लेनेशन किस तरह का लगा। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे।